ओके तो आप लोग रेडी हैं फॉर प्रेजेंटिंग योर पेपर्स? मैंने आपसे कहा था कि गूगल क्लासरूम में आप लोग अपने प्रेजेंटेशंस अपलोड कर दें, ताकि अगर आप प्रेजेंटेशंस गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देते तो आई कुड ओपन योर प्रेजेंटेशंस फ्रॉम हियर. बासित, बासित, निब्रास, रमला, सैफुल्ला, सुफियान, नबी अहमद. यस मैम, मैं इधर हूँ. जी जी. डॉक्टर कियानी प्रेजेंट. और तलहा. जी बतूल, फिर हम आपसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कर ले मैम. मेरी रिसर्च का टॉपिक है रांझा रांझा कर्दी, अ स्टडी ऑफ मैरिटल रेप इन पाकिस्तान. रांझा रांझा कर्दी 2019 कश्मीरी रेस द इशू ऑफ मैरिटल रेप. ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड एक्चुअली टू कैरेक्टर्स, भोला हु इज मेंटली रिटार्डेड एंड बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड. व्हाइल द अदर कैरेक्टर ऑफ हर वाइफ नूरी इज वेरी बोल्ड एंड बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. भोला हैज बीन इंस्टिगेटेड बाय हिज फ्रेंड टू रेप हिज वाइफ. एक्चुअली उसके फ्रेंड्स के पुराने ग्रजिस होते हैं नूरी के साथ. And after taking over the dose of medication, he brutally forced himself upon the Nuri. अब उसके बाद नूरी जो है वो अपनी सास के पास जाती है और उसको सारी सिचुएशन बताती है. जब बेसिकली पहले कभी भोला जो है अपनी पागलपने में नूरी पे हाथ उठाता है तो उसकी सास हमेशा भोले को डांटती है, लेकिन जब वो ये रियलाइज करती है कि आज नॉन कंसेंचुअल सेक्स का इशू है, तो वो नूरी को एक प्रॉपर लेक्चर देती है इस इशू पे, जिसमें से एक दो लाइन्स मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर. नूरी को समझाती हूँ कि भोले को भोला नहीं अपना मजाजी शोहर मानो, और वो तुम्हारा शोहर है, तुम निकाही बीवी हो इसकी. right, एक मिनट बतूल, एक मिनट करिएगा. अच्छा प्लीज, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाह रही थी कि कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन. एवरीबडी अपार्ट फ्रॉम बतूल शुड टर्न ऑफ द माइक्रोफोन, ताकि हमें बतूल की आवाज जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर आ सके. ठीक है, तो जी गोइंग बैक टू द प्रेजेंटेशन. जी जी. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बोलती है कि भोले ने दीवानगी से होश की जानी पहला कदम लिया. ये तो बेसिकली इस मैरिटल रेप के इशू को ये दो सेंटेंस के अंदर उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया है कि ये इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. अब अगर हम प्रीवियस स्टडीज से देखें तो ड्रामे का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है ऑडियंस पे, और वो ड्रामा लोगों को मतलब लोग गाइडलाइन लेते हैं ड्रामे से. जिस तरह द कल्टिवेशन थ्योरी एम्फसाइज द टेलीविजन डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट्स हैपनिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, बट इट प्रेजेंट एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड दैट फोकस्ड ऑन द सर्टेन डिपेंडिंग ऑन द विल एंड इंटरेस्ट ऑफ दोज कंट्रोलिंग द मीडिया. Eventually, accumulation of exposure to TV and lack of direct experience in the various issues create an artificial world which become more and more real to the recipients. अब यहाँ पे मैं आपको इसके मैरिटल रेप के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताती जाऊं कि हमारे पीपीसी के सेक्शन 375 के मुताबिक मैरिटल रेप जो है वो क्राइम है पाकिस्तान में. नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद वाइफ रेप की कैटेगरी में लाया करता है और ये क्राइम है, इसकी पनिशन. लोग कितने अफेक्ट होते हैं इससे, कितनी ख्वातीन इसका शिकार हैं, तो इन अ रिपोर्ट बाय एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर बेस्ड वायलेशन इट वाज मेंशन्ड दैट 64% ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी वुमेन हैड एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस बाय इंटीमेट पार्टनर. तो इतनी बड़ी लोगों की तादाद है जो इससे मुतासिर होती है. अब यहाँ पे अगर देखें तो एक ड्रामा पोर्ट्रे कर रहा है इसका इमेज मैरिटल रेप का. एक तरफ थ्योरी कहती है कि ड्रामे से लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, और एक तरफ वो क्राइम है पाकिस्तान में, और जिसका मैंने आपको बताया कि 64% एक रिसर्च के मुताबिक 2015 जो खवातीन है वो मुतासिर हुई है सेक्सुअल वायलेंस से. तो मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है दिस स्टडी इज टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर्दी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सोसाइटी.
اس پہ میں لٹریچر ریویو کروں گی جس میں میں تین تھیوریز کو میں بیسیکلی ریویو کرنا چاہوں گی. جو فیمنسٹ تھیوری ہے وہ بیسیکلی اس کی ہم لوگوں کو ڈیفینیشن دیتی ہے فیمنسٹ تھیوری اسکالرز ڈیفائن میریٹل ریپ ایز اے مین آف سوشل کنٹرول اینڈ ڈومیننس اوور وومن تھرو دا یوز آف پیٹریارکل فیملی. فیمنسٹ یوز سیورل ٹرمز سچ ایز پیٹریارکل ٹیررزم اینڈ لائسنس ٹو ریپ to refer to the social control of the woman by men. Isi tarah dependency theory hai jo ki hum logon ko ye batati hai Defler aur Baldur check ki ke hum log jis tarah information jis tarah accept karte hain ki expect karte hain ki news se hum log information lene same usi tarike se jo log hain wo entertainment ki information par rely karte hain. اسی طرح کلٹیویشن تھیوری ہے اور یہ ساری تھیوریز اور یہ ساری اسٹڈیز ہم لوگوں کو یہی بتاتی ہیں کہ جو پبلک ہے وہ انفلوئنس لیتی ہے ڈراما سے اور ٹیلی ویژن سے. کوشچن اس میں میرے یہ ہے کہ کنڈکٹ اے سروے ٹو فگر آؤٹ واٹ از پبلک انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا میریٹل ریپ. میں اس پہ ایک وہ پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک سروے کروں گی اور ڈراماز انالائز کروں گی یہ جاننے کے لیے کہ واٹ امپیکٹ ڈراما میں ہیو ان شیپنگ دا ویو آف میسز ریگارڈنگ میریٹل ریپ. دا لمیٹیشن آف مائی اسٹڈی از مائی اسٹڈیز لمیٹڈ ٹو ہم ٹیمی ڈراما رانجھا رانجھا کردی 2019. دا اسٹڈی اونلی فوکس میریٹل ریپ ان میریٹل ریپ ایشو ان دا ڈراما. میں اس میں دو میتھڈس یوز کر رہی ہوں, ایک تو سروے کروں گی پبلک کا اور دوسرا میتھڈ میرا میں انالیسس کروں گی ڈرامے کا. اس کی سیمپلنگ ٹیکنیک وغیرہ وہ ساری میں بتاتی ہوں کہ سیمپلنگ ٹیکنیک میری اس میں یہ ہے کہ میں 31 ایپیسوڈس لے رہی ہوں رانجھا رانجھا کردی کی یوٹیوب سے اور میں کوشچنئر دوں گی. میرے جو کوشچنئر ڈسٹریبیوشن ہے وہ میل فیمیل ہاؤس وائف ورکنگ وومین اور انمیریڈ لوگوں کے درمیان یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انمیریڈ لوگوں کے درمیان میں کیوں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں, کیونکہ ان کے ارد گرد کے آبزرویشن, ان کے ایکسپیرئنسز, اپنے مطلب ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, اگر کوئی میریٹل ریپ کا شکار ہے اور ان کو وہ کوئی آبزرویشن ہے ان کے پاس اس کو لے کے, تو وہ میرا وہ کوشچنئر کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ فل کر سکتے ہیں. سیمپل سائز میرا ہے کہ 31 ایپیسوڈ ہیں رانجھا رانجھا کردی کی اور 100 کوشچنئر ہیں جو پبلک میں ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں رینڈملی. اس کی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی یہ ہے کہ دی انسٹرومنٹ ویلیڈیٹی ریلائبلٹی شیل بی ڈیٹرمن تھرو امپیریکل ویلیڈیشن اینڈ تھیوریٹیکل ویلیڈیشن. اور جو میرا وہ ہے سروے ہے, کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں گے؟ SPSS سے میم, statistical package for social sciences. So you will use SPSS for analyzing your survey data. ٹھیک ہے جی میم جی. اینڈ میں میرا ڈیٹا کلیکشن انالیسس ہے کہ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ڈیٹا شیل بی کلیکٹڈ فرام دا سیمپل اینڈ شیل بی انالائزڈ ان دا لائٹ آف سیٹ تھیوریز to examine the marital rape against the backdrop of the society, and the data shall be analyzed with the help of theories, previous studies. Data will be collected through survey and with the help of SPSS, aur uske jo result generate honge usse data analyze kiya jayega. Thank you. Okay, thank you. Very nice. Nice. I think ke aapne finally acha khasa grasp kar liya ke how the proposal should be written or presented. Theek hai. اچھا کوشچنز ہیں, اینی کوشچنز اینی ون؟ علی حیدر یس میم, کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نو میم. یو ڈونٹ ہیو اینی کوشچن اینی کوئری اباؤٹ اینی پارٹ؟ ناٹ ریئلی میم. اوکے افروز آپ کا کوئی کوشچن؟ جی میم, میرا ایک کوشچن یہ ہے بتول سے, یہ جو سروے کنڈکٹ کیا ہے یہ کتنے لوگوں سے آپ نے کنڈکٹ کیا ابھی تک؟ 100 لوگوں سے سروے کنڈکٹ کیا جائے گا. پروپوزل سٹیج پہ آپ کو سروے کے ریزلٹس نہیں چاہیے. پروپوزل سٹیج پہ واٹ وی ڈو, وی ٹرائی ٹو گیٹ دا پروپوزل اپروفڈ, اور اس پروپوزل میں ہمیں کافی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ان کیس آف سروے
ethics of research بڑے important ہو جاتے ہیں. ہم نے, if you remember, ہم نے last class میں we had discussed کہ اس میں researcher researcher relationship, researcher respondent relationship اور کافی سارے ethical views ہوتے ہیں جن کو ہمیں determine کرنا پڑتا ہے کہ research جو ہے وہ ethically right ہے. تو ہمیں اس کی approval سے اس کے سارے dimensions دیکھنے کے بعد ریسرچ, خاص طور پہ سروے بیسڈ پروپوزل اور ایسے پروپوزل جس میں ہیومنز یا اینیملز انوالوڈ ہوں, تو وہ ایتھیکل کمیٹی جو ہے ان ساروں کو ایگزامن کر کے دے گیو یو دا پرمیشن کہ آپ اس پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ کر لیں. تو پروپوزل اسٹیج پہ آپ کو صرف میکسیمم انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اوکے بطول, ویسے تو لمیٹیشن جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا ایفرٹ تھا. اگر آپ پورے پروپوزل میں دیکھ رہے ہوں کہ پروپوزل میں لمیٹیشن بہت بڑی ہیڈنگ نہیں تھی, بٹ دیر واز اے ہیڈنگ. آپ کے پاس چونکہ دو طرح کے سیمپلز ہیں, ایک سیمپل آپ ٹی وی ڈرامے کا کانٹینٹ انالائز کر رہی ہیں اور جی. دوسرا جس میں آپ آڈینس سروے کنڈکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آپ ایک تو ٹرائنگولیشن جو ہے اس کو ہم ٹرائنگولیشن آف میتھڈز کہتے ہیں کہ دو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وین ایور وی یوز جی آپ نے بتایا تھا جی مور دین ون میتھڈ جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اسٹڈی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, ٹو ویلیڈیٹ مائی اسٹڈی آئی ول بی یوزنگ ٹرائنگولیشن آف میتھڈز, اینڈ میتھڈ ون جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کانٹینٹ انالیسس آف 31 ایپیسوڈز پہ, اینڈ میتھڈ ٹو فوکسز آن سروے آف پیپل یا سروے آف ویورز آڈینسز ایکسیٹرا, ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی نے سپوز نہیں بھی دیکھا ہوا تو بیکاز آپ پاپولیشن ایٹ لارج کا سروے کنڈکٹ کر رہی ہیں تو یو کین سرٹنلی ہیو کوشچنز دیٹ یو نو پیپل وڈ فلی انڈرسٹینڈ کہ واٹ اٹ از اباؤٹ کانسیپچولی اینڈ ادر وائز, اور وہ چونکہ دے آر پاکستانیز اور جس کو یو کین سے کہ اٹس اے سبجیکٹ جس کی اویئرنیس ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان, پیپل ہارڈلی نو کہ میریٹل ریپ ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. سو لمیٹیشنز والے پارٹ میں ایک تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیر آر ناٹ مینی پلیز آن دس سبجیکٹ, یا میریٹل ریپ کا واز فرسٹ ٹائم ایڈریسڈ ان رانجھا رانجھا کردی, جس کی وجہ سے یور اسٹڈی از لمیٹیڈ ٹو اونلی ون پلے دیٹ ایکچولی ریپرزینٹڈ دا ایشو اور 231 ایپیسوڈز آف دیٹ پرٹیکولر پلے. ڈو یو ریمبر کہ کس ایپیسوڈ میں یہ اپیئر ہوا تھا میریٹل ریپ؟ میم ایپیسوڈ 20 میں ہوا تھا یہ, ایپیسوڈ 20 میں جو یہ مطلب جس ایپیسوڈ میں یہ میریٹل ریپ والا ایشو تھا وہ 20 تھی, لیکن اس کو بلڈ کرنے میں پورا ڈراما کے شروع میں اور پورے ڈرامے کے آخری جو ایپیسوڈز ہیں. You are saying that there were at least 11 episodes of the play that actually revolve around this issue of marital rape. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نمبر ون جو آپ نے آلریڈی کہہ دی کہ یور اسٹڈی از لمیٹیڈ ٹو اونلی ون پلے, اس میں آپ فردر ایڈ کر سکتی ہیں کہ 11 ایپیسوڈز جو ہیں 11 ایپیسوڈز آف دا پلے فوکس آن دا پرٹیکولر ایشو آف میریٹل ریپ, ٹھیک ہے. تو یور اسٹڈی از لمیٹیڈ ٹو دوز 11 ایپیسوڈز ان پرٹیکولر, دو کانٹیکسٹ آف کانٹیکسٹ بلڈ اپ ان دا ریمیننگ 19 ایپیسوڈز. تو ٹوٹل 12 ایپیسوڈز ہو گئے آپ کے, 19 + 12 از اکول ٹو 31 ایپیسوڈز آف دا پلے. اور دوسری چیز یہ سیمپلنگ ٹیکنیک آپ نے مینشن کی ہوئی ہے, رائٹ؟ سو یو آر سیئنگ کہ بوائز ورکنگ ویمن میرڈ ان میرڈ انڈیویجولز بیکاز یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی یو نو کہ ہاؤ پبلک ایٹ لارج انڈرسٹینڈز دی ایشو آف میریٹل ریپ, جس کی وجہ سے آپ نے ان میرڈ بھی انکلوڈ کر لیا. تو ان میرڈ کو انکلوڈ کر کے تو ایکچولی آپ نے اسکوپ آف اسٹڈی انکریز کیا تھا, you know Pakistani youth kaise understand karta hai this problem, you know. So lekin agar aap mein limitation wahan pe aayegi jab aap keh rahi hain ki my study is limited to Lahore, right, and my study is limited to certain parts of Lahore, for instance you are collecting data in DHA or you are collecting data in Gulbarg or you are collecting data in walled city area, to jaise hi aap DHA, walled city and Gulbarg you know if you collect data in these three places to aapka question hota hai survey ke case mein ki representation is very important when you are talking about survey.
तो आपका विच मीन्स कि अगर आपने लाहौर में डेटा कलेक्ट किया तो लाहौर इज सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कराची इज द लार्जेस्ट, तो आपने डेटा कराची और लाहौर में नहीं कलेक्ट किया, यू आर ओनली कलेक्टिंग डेटा इन लाहौर। उसके बाद आप कहती हैं कि इफ़ यू गो टू स्मॉलर सिटीज, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ से भक्कर चली गई, ठीक, राइट, तो या आप यहाँ से सवात चली गई, सो यू नो कि इन तीनों जगहों पे लाहौर, भक्कर एंड सवात में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जिनकी जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, राइट। तो आप आपका सिर्फ ये है कि आपका जो लिमिटेशन में असल में फिर आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि माई सैम्पल सर्वे सैम्पल इज लिमिटेड टू लाहौर ओनली एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीपल इन विलेजेस प्रोबेबली वुड हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ मैरिटल रेप। ठीक, आपको समझ आ गई कि मैं आप लिमिटेशन के स्कोप में आप अपनी जो हमने जो मुख्तलिफ क्वालिटीज देखी थी किस तरीके की केस में रिप्रेजेंटेशन एंड जनरलाइजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वैसे भी रिसर्च में जितनी ज़्यादा जनरलाइजेबल को रिसर्च उतनी बेहतर होती है, तो आप उसमें फिर ये कह सकती हैं कि ये इसमें सर्वे में यू कुड एक्चुअली टॉक अबाउट कि आपकी जनरलाइजेबिलिटी कितनी है, एंड आई थिंक विद दिस पॉइंट प्रोबेबली यू नाउ अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, डू यू बाय नाउ यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड के प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, यू फुल्ली नो हाउ अ प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ प्रपोजल शुड बी प्रेजेंटेड। So the minute you fully understand what should be mentioned under the heading of limitations, you now fully know what a proposal can cover. ठीक है? Say if this proposal goes to board of studies. अभी आपने decide कर लिया है कि आप अपना जो final है वो करेंगी project पे करेंगी या आप research based thesis करेंगी? मैम प्रोजेक्ट करूंगी, मैं डॉक्यूमेंट्री करूंगी, मैंने कल ताजदार आलम साहब को दो आइडियाज अपने बताए हैं, डिस्कस किया उनके साथ। ऑलराइट, ओके, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, सो हम जब आपसे प्रपोजल जो है फाइनलाइज कर रहे होंगे तो वी विल सर्टेनली गो अहेड विद योर प्रोजेक्ट प्रपोजल, लेकिन मैं आपसे ये कही थी कि अब आपके पास एक सेकेंड आइडिया भी है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है। सो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना कि इन फ्यूचर से 5 years फ्रॉम नाउ यू डिसाइड कि ओ मैंने तो अब PhD करनी है, राइट, तो उस सूरत में समबडी कैन आस्क यू कि आपको डू यू नो हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल्स एंड हाउ टू प्रेजेंट एन आइडिया फॉर अ रिसर्च प्रपोजल एक्सेट्रा। तो आई थिंक नाउ यू फुल्ली अंडरस्टैंड के यू नो के इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल था, दोनों जो आपके रिसर्च कोर्सेज थे इन द MS प्रोग्राम, एक कोर्स था आपका ऑन मीडिया थ्योरी जिसमें वी वर लुकिंग एट यू नो लाइक हाउ थ्योरेटिकली डिस्कस जो आपके मीडिया कंटेंट के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वी वर स्पेशली एग्जामिनिंग दोज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम इट मीडिया थ्योरी में ये आपका आपने पिछले जो मीडिया थ्योरी के कोर्स में भी आपने कल्टिवेशन थ्योरी यूज़ की थी, तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही थी कि बाय नाउ यू फुली अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप अ प्रपोजल एंड हाउ टू प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल टू बोर्ड ऑफ स्टडीज, क्योंकि अगर आपका ये बोर्ड ऑफ स्टडीज तक जाता तो दे वुड हैव आस्क यू दीज क्वेश्चंस जो आपने इसमें आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट शुड एक्चुअली गो टू बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर अप्रूवल ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो मैं आपसे ये कही थी कि एज फार एज आई थिंक आई कैन सी के यू हैव अ मच यू हैव डिवेलप्ड द आइडिया, you know how to develop a research proposal by now, ठीक है? जी मैम। मैम इसमें मीडिया थ्योरी को पहले हमने पढ़ लिया, वो चीज बहुत हेल्पफुल थी, बहुत ज्यादा। हाँ, वो उसका फायदा तो होना चाहिए था, बिल्कुल। तो ओके, गुड, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स जो कोई भी ऐड करना चाहे, मोहम्मद अली 118 और 119, सैफ यू हैव अ क्वेश्चन? सुफियान? नो मैम।
सुफियान आपको बतूल के प्रपोजल के थ्रू ये तो क्लियर है ना कि हाउ द प्रपोजल शुड बी डेवलप्ड एंड हाउ द प्रपोजल शुड बी प्रेजेंटेड इंट्रोडक्शन में व्हाट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड व्हाट शुड बी कवर्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स जो यहाँ पे अभी तक हमने किए हैं. यस मैम, मैंने देखा और मेरे कुछ चीजें कम हैं तो इसमें मुझे हेल्प भी करेगा ये. ऑल राइट, वेरी नाइस. अच्छा ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट कौन है? अली हैदर, आर यू रेडी? यस मैम, आई एम रेडी. ओके, ये अहमद मसूद का है. अहमद मसूद मौजूद है कि नहीं है? मैं मौजूद हूँ. ऑल राइट, अहमद मसूद हम आपका पहले ले लें या फिर हम अली? जी अहमद मसूद का ले लें. मर्जी है, जैसे मर्जी. मैं मेरी एब्सेंट लगा दी है आपने. हाँ, मैं असल में आपको आवाजें देख रही थी. मैं उसको आई विल लुक इनटू इट हाउ टू हैंडल इट. ठीक है, आपके वाले को मैं अहमद, आप प्रेजेंटेशन दे दें अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलते हैं. ठीक है अहमद मसूद, वी विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, क्या कहते हैं? मेरा जो टॉपिक है वो और किसी ने नहीं चूज किया तो मैं तो मेरा भी. मैम ट्रस्ट मी, मैं आपका टॉपिक देख के तो मैं बड़ी खुश हुई. आई रियली लाइक द आइडिया कि मैंने जब इसको आपके प्रपोजल को देखा, आई फेल्ट रियली हैप्पी कि somebody picked up this topic and somebody actually, because this was a bigger challenge, क्योंकि हमने अभी तक इसको बिल्कुल भी नहीं डिस्कस किया हुआ. बाकी सारे प्रपोजल्स पे तो बिकॉज पीपल प्रेजेंटेड देयर आइडियाज तो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बट दिस इज़ अ टॉपिक दैट वी नेवर डिस्कस्ड इन क्लासरूम. हम इसकी डिटेल्स में कभी नहीं गए. राइट, तो मैं तो इसको देख के आई फेल्ट रियली हैप्पी कि हम इसको somebody has actually taken the challenge and come up with this idea. अच्छा मेरा जी, हम रात को स्लाइड शेयर कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से कह रहे हैं, तो मैं तब अहमद पे पढ़ा था, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ था. हाँ, इसमें कोई शक है, अभी तो हम सुनेंगे एंड एवरीबॉडी कैन से कि कैसा है, लेकिन जो मैंने इसको पार्टली देखा था और मुझे अच्छा लगा ये प्रपोजल. अहमद मसूद, आई थिंक कि हमने आपकी प्रेजेंटेशन खोल ली, तो वी कैन गो टू योर प्रेजेंटेशन. जी श्योर मैम, स्टार्ट करूं? जी. So my topic is fashion, a study of suicide cases in Bollywood celebrities. And my research question is, what are the primary causes of growing suicide in the fashion and film industry of India? Introduction. The modern world is observing a global trend in the increased number of suicide cases. Far worse, the number of patients dealing with the mental health issues and suicidal tendencies are rapidly on the rise as well. As for the topic of this research proposal, the study proposes a look inside the fashion and film industry of India through the scope of 2008 film Fashion, to form a basis for a future study to be conducted on the topic. While the majority of the film does not make itself about suicide, the progression of the movie toward a much darker tone reflects the elements that can create an environment for suicide. A global trend shows a high number of suicide cases emerging in the fashion and film industry. In India, a growing number of suicide cases in this industry raises question and causes for alarm. While the other topics such as homosexuality are also explored in the film, this future study will mostly extract the instruments that led to the suicide of Sonali by using her as a reference point to explore the causes behind this act. Literature review. The causes of suicide have been captured in several mediums such as literature, film and TV, fiction and non-fiction books. In Indian film and TV, Peepli Live, Three Idiots, Masaan are some examples. And in international film industry, Dead Poets Society, Girl Interrupted, Leaving Las Vegas are examples. In Indian fiction and non-fiction books, Unraveling Farmer Suicides, Death is Not the Answer, Suicide and Society in India are major examples. Theoretical framework. The cause of suicide have been the focus of historical amount of research, where several theories
as to the causes have come to light. For this purpose, the interpersonal theory of suicide explains the psychological reasons behind individual suicide. Developed by Thomas Joyner in the book Why People Die by Suicide, the theory presents three basic components to explain why people attempt suicide: thwarted belongingness, perceived burdensomeness, and acquired ability. Thwarted belongingness is a psychological painful mental state that results when the fundamental need of connectedness, as the need to belong, is unmet. Perceived burdensomeness is a mental state characterized by appreciation that others would be better if I were gone. Acquired ability. According to the theory, one's fear of death is weakened, which often lead to suicide. Rational. Suicide puri duniya mein bahut zyada hai, so the study aims to create a space for a future study by basing its significance in the growing number of suicide cases in fashion and Bollywood industry of India. A growing pattern seems to emerge with persons tied to a specific workplace environment. One such workplace environment that seemed to show significant trend in suicide cases seems to be film industry. Here we aim to explore the topic further by narrowing our focus to fashion and Bollywood. Our aim is to identify the reasons behind these cases. Objectives: to find a growing trend in workplace environments that rate the highest in terms of suicide cases, to connect the basis of the study with the film fashion. Number two, a study to significance of India's suicide cases in fashion and Bollywood film industry in comparison to other worldwide film and fashion industries such as Hollywood. Number three, to identify specific causes for the growing number of suicide cases in the fashion and Bollywood industry. Research methodology. Method of conducting future research for this study will use systematic review and surveys to identify causes of the growing number of suicides. Two types of data will be collected: secondary data and primary data. Secondary data will be collected through systematic reviews. Primary data will be collected through surveys. Sampling. Survey will be handed out to two audience types: people with a history of mental health issues. Number two, people with no mental health issues. SPSS software will be used for the sampling process. Regression analysis will be used as the sampling technique to study relationship between two variables. Procedure. The primary data for primary data, we will conduct surveys, and data will be further processed by SPSS software. SPSS is used to convert survey data into electronic data, which will be further analyzed through regression analysis. This will help generate patterns in the form of graphs and charts to present a perspective on the subject. For secondary data, it will be collected in the form of previous research by selecting specific number of papers for our systematic review to find emerging patterns. Validity and reliability. For primary data's availability and reliability will be tested through the use of Cronbach's alpha value in SPSS by keeping in mind a certain threshold. For secondary data collected through systematic reviews will be tested through peer review research papers from international recognized journals only. Data collection and analysis. Primary data, through the use of SPSS and regression analysis, we will be able to present more detailed perspective on the objective of the study that needs to be achieved. And for secondary data, a PICO question selecting four variables will help analyze the data through peer review research papers.
research limitations. As for primary data being collected, our study is limited in gaining its perspective on the topic from an indirect sample. This means that celebrities and other individuals who are directly linked with the Indian film and fashion industry cannot be approached to gain a perspective on the topic. As for the secondary data, the unavailability of direct research on the topic of suicide in the film and fashion industry of India limits our quality of analysis. Conclusion: the film fashion serves as a primary argument in creating space for future study on the topic. The study will aim to identify workplace environments that rank higher in suicide cases. The film and fashion industry of India will be compared to similar industries. Once these are established, the primary research question dealing with suicide cases in Bollywood will be tackled. The methodology presents a basis for answering this question by employing the use of both primary and secondary data. Through the use of survey, an individual perspective will be gained on the topic. Secondly, a use of systematic review will help employ past research on the topic to further strengthen our basis for answering the research question. Thank you. Ji, questions? Ahmed Nabi? No, ma'am, no question. Dr. Saab? Afroze, any question? Hai? No, ma'am. Talha? Doctor. Ji, Dr. Saab. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक जस्ट क्यूरियोसिटी है कि जो फैशन इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो है ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं ये कहाँ मौजूद हैं और कितनी तादाद में हैं या इस इंडस्ट्री से भी कुछ कोई अहमद स्टडी करेगा इसको इसको देखेगा डॉक्टर साहब बेसिकली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रेट है सुसाइड का क्योंकि इसमें जो आपका टेन्योर होता है वो बहुत कम होता है टैलेंट का जो टेन्योर है वो बहुत कम होता है स्पेशली इन फीमेल मॉडल्स और फिल्म के अंदर भी यही चीज़ दिखाई गई है कि आप कभी भी रिप्लेस हो जाते हो जिसकी वजह से बंदा एक इमोशनल ब्रेकडाउन के अंदर चला जाता है और बहुत से मॉडल्स में ये सिम्टम जो है ना देखे गए हैं जिसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज उनके अंदर क्रिएट हुई हैं कि वो शायद लास्ट मंथ टॉप ऑफ द टॉप मॉडल थे और अगले मंथ उनको रिप्लेस कर दिया गया विदाउट एनी रीजन क्योंकि बहुत कम्पिटिटिव ये फील्ड है और दूसरा यहाँ आपको मतलब जो आप रियल में होते हो एज अ पर्सन आपको मतलब ऑडियंस के लिए वो चेंज करना पड़ता है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को मतलब अंदर दबा के रखते हो इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च भी हुई है इस टॉपिक के ऊपर कि ये दो तीन मेजर वजह है जिसके वजह से सुसाइड्स होते हैं थैंक यू अहमद फॉर शेयरिंग योर नॉलेज अहमद मसूद कैन यू एक्सप्लेन कि कौन से दो तीन मेथड्स हैं बिहाइंड सुसाइड आपने कहा कि पास्ट रिसर्चेस शो देयर वर टू थ्री डिफरेंट मेथड्स फॉर सुसाइड हाउ आर दोस मेथड्स रिलेटेड टू द स्टडी मैम सुसाइड के ऊपर मेथड्स की बात तो नहीं की मैंने जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर दो मेथड्स यूज हुए हैं एक मैंने रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया जी जी और बेसिकली जो डेटा सर्वे से कलेक्ट किया है वो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हमने उसको चेक किया और बाद में जो उसकी वैलिडिटी और वैलिडिटी जो हमने चेक की है वो हमने क्रोमबाग अल्फा रूल के थ्रू चेक किया वो भी एसपीएसएस के अंदर होता है ऑलराइट आप ये कह रहे हैं कि इन दिस केस जो आप स्टडी प्रपोज कर रहे हैं यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा मैम सर्वे वाला डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया फिर कौन सा डेटा कलेक्ट किया मैम पास्ट रिसर्च पेपर्स थोड़े से देखे हैं और वो पीयर रिव्यू के थ्रू हमने चेक किए थोड़ी सी उनकी लिमिटेशंस ओके क्योंकि आपका ये जो है ना लिटरेचर रिव्यू में आपने फिल्म्स के नाम तो बताए हैं लेकिन आपने पास्ट रिसर्चेस जो हैं बाय वेरियस ऑथर्स इसमें एज सच वो मेंशन नहीं की फॉर इंस्टेंस यू कुड मेंशन के सेलिब्रिटी सुइसाइड रिलेशनशिप
with you know audience or whatever. Kyunki aapne, can you briefly describe the significance of the study? मैम इसकी सिग्निफिकेंस मैम बेसिकली ये है कि कुछ वर्क प्लेसेस ऐसी हैं जो ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर ना सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट करती हैं और बेसिकली ये वाली जो सिम्टम्स हैं सबसे ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आजकल इनका ज़्यादा ट्रेंड देखा जा रहा है और ये जो स्टडी है इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि हम फर्दर एक्शंस ले सकें और इस तरह की टेंडेंसीज को क्रिएट होने से रोक सकें एक इंडिविजुअल के अंदर बाय क्रिएटिंग सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट्स एंड यू आर सेइंग के फैशन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अनसेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट यस मैम Did you notice के आपके यहाँ पे जो fashion 2008 है, what does that imply in your topic? मैम basically हम fashion जो film आई थी 2008 में हम उसके through ही उसके scope के through ही सारी चीजों को देख रहे हैं हम fashion film को as a reference लेके चल रहे हैं throughout the paper. All right. असल में आपने अपनी presentation start की the research question. ठीक है आपने अपनी प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन से नहीं स्टार्ट की मैं ये नहीं कह रही कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था लेकिन आपके पास यहाँ ऑब्जेक्टिव्स के बाद रिसर्च क्वेश्चन प्लेस करने की जगह मौजूद थी ठीक है सो लेकिन आपने शुरू में बता दिया बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं सोच रही थी कि आपने रिसर्च क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया बेसिकली पहले ऑब्जेक्टिव्स के बाद ही था पर वो मुझे एक चीज ऐसे फील हो रही थी खुद पढ़ते हुए भी कि मतलब एज एन ऑडियंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ इस वजह से शुरू में रख दिया था कि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपने जरा इसको ज्यादा सिंपल तरीके से कहना था यही इसी बात को ये आपने जरा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये बात कही है ना कि आपने इसको कहा कि आप यू आर लुकिंग इनटू लुकिंग इनसाइड द फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री थ्रू द स्कोप ऑफ फिल्म फैशन ठीक है सो बेसिकली तो आप ये जो आपके इस सेकंड पॉइंट के बीच में आपका वो की आइडिया मौजूद है जो कि यू कैन यूज फॉर कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन दिस टॉपिक ठीक है तो आपका टॉपिक फैशन स्टडी ऑफ द सुइसाइड केसेस ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन समबडी टेल मी कि इस टॉपिक में और बाकी टॉपिक्स में फर्क क्या था क्योंकि दिस टॉपिक इज एक्चुअली इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर टॉपिक्स अहमद मसूद आप खुद ट्राई करें सबसे पहले हाउ इज दिस टॉपिक डिफरेंट फ्रॉम फॉर इंस्टेंस बतूल का जो टॉपिक है या व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टॉपिक्स मैम बेसिकली मेरे नज़र में तो ये है कि जो बतूल का टॉपिक है वो ऐसा है ऐसा इशू है कि एक जनरल पब्लिक उसे फेस कर सकती है उस अपनी लाइफ में कहीं भी लेकिन जो फैशन और फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो फेस करता है तो इसका रिलेटिबिलिटी फैक्टर भी बहुत कम है एक तो और बाकियों से डिफरेंट है मैं मेरे ख्याल में इसके विक्टिम नहीं मिलते आपको आप उनके विक्टिम मिलते हैं पर अप्रोच वहां तक मतलब उनको अप्रोच करना मुश्किल होता है जिसने सुसाइड करके तो मर गया ना नहीं सुसाइड इसमें दो टाइप के लोगों का की बात हो रही है एक जिन्होंने सुसाइड कर लिया और जिनमें टेंडेंसीज क्रिएट हो रही हैं सुसाइडल टेंडेंसीज और जो डिप्रेशन में मतलब आ रहे हैं इस वजह से ऑल ऑफ यू पिक्ड अप आइडियाज फ्रॉम हियर फॉर योर रिसर्च प्रपोजल्स राइट यहीं से लिए थे ना आप लोगों को दीज वर द टॉपिक्स जो कि आप लोगों को हमने इस कोर्स के स्टार्ट पे वी हैड सजेस्टेड दैट एवरीबॉडी शुड पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम हियर एंड यूज दैट टॉपिक फॉर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्रपोजल अच्छा इस टॉपिक पे देखें इसमें देर वर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स एक वो जिनका फोकस था फिल्म ड्रामा एनालिसिस पे और दूसरा वो टॉपिक था टॉपिक्स थे जिनका फोकस था पब्लिक रिस्पांस पे सो अहमद मसूद मैंने जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज बेसिकली अबाउट दिस आपने अपना टॉपिक कहाँ से उठाया था
मैम मैंने वो फिल्म एंड ड्रामा एनालिसिस से उठाया था, मैं वहां से उठाया था, राइट? सो लेकिन राइट नाउ जो स्टडी आप प्रपोज कर रहे हैं वो फिल्म इस ऊपर वाले ब्लॉक में नहीं है, आपने आपकी स्टडी जो है, जो प्रपोजल आपने दिया है वो एक्चुअली इस सेकंड ब्लॉक में है। यस मैम। कैसे मैम? बेसिकली मुझे उस तरह से रिसर्च, इसमें मैंने लिमिटेशन में भी बताया क्योंकि इस पे डायरेक्टली इस चीज इस टॉपिक पे काम नहीं हुआ हुआ इतना, तो मुझे इतना वैलिड डेटा मिल नहीं रहा था, तो मैंने इस वजह से दोनों अप्रोचेस चूज किए हैं कि मैं एनालिसिस भी करूं थ्रू रिसर्च पेपर्स और मैं सर्वे भी कंडक्ट करूँ ताकि एक इंडिविजुअल परस्पेक्टिव गेन हो सके। ऑलराइट, अच्छा अब आते हैं आपके इसके इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है? आपके रिसर्च क्वेश्चंस और आपके इंट्रोडक्शन में जो आप डोमिनेंट वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं दैट इज अबाउट फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री, राइट? सो हालांकि आपका ये जो पॉइंट टू है वो मेंशन कर रहा है फैशन द फिल्म, जो फैशन फिल्म है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपसे सिर्फ यही कही थी कि ये जो आपका टॉपिक है एक्चुअली ये टॉपिक जिस तरह बतूल का टॉपिक जो है वो पब्लिक रिस्पांस पे बज़ाहिर फोकस नहीं कर रहा, बट बतूल एक्चुअली प्रपोज्ड ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द स्टडी जिसमें शी वाज स्टडिंग फिल्म कंटेंट एंड शी वाज आल्सो लुकिंग एट पब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है? मैरिटल लॉ, ये टॉपिक अनरिस्ट्रिक्टेड है, दिस टॉपिक डज नॉट से के एनालाइजिंग फिल्म एंड दिस टॉपिक आल्सो डज नॉट से एनालाइजिंग पब्लिक रिस्पांस, ठीक है? बिल्कुल। सो वहाँ पे हालांकि जब मैंने आप लोगों के रिसर्च प्रपोजल्स के जब मैंने आइडियाज वहाँ पे थ्रो किए इन गूगल क्लासरूम तो उसमें मैंने दो ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए थे, अ ब्लॉग दैट फोकसेस ऑन कंटेंट ऑफ फिल्म्स एंड अनदर ब्लॉग दैट फोकसेस ऑन पब्लिक रिस्पॉन्स टू द इशू, ठीक है? तो खैर मुझे आपके इस प्रपोजल पे एतराज नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आपके प्रपोजल में देयर वॉज अ स्कोप फॉर ट्रायंगुलेशन। और मेरा दूसरी बात यह है कि जब मैंने आप लोगों से जब क्वेश्चनर की असाइनमेंट दी थी आप लोगों को तो उस वक्त मैंने आपको थोड़ी सी फ्रीडम दी थी जो कि शायद आपके जहन में नहीं है, बट आई हैड गिवन यू दिस फ्रीडम कि आप चाहें तो जो पहला ब्लॉक है दैट फोकसेस ऑन फिल्म एनालिसिस उसमें आप पब्लिक रिस्पॉन्स को की तरफ भी आप टॉपिक को मोल्ड कर सकते हैं for the study of public response to fashion a study of the suicide cases of Bollywood celebrities. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि अब अगर आप फैशन फिल्म देखें तो फैशन फिल्म में there were two scenarios. टॉपिक की limitations होती हैं फैशन फिल्म में, scenario one क्या है और scenario two क्या है? मैम किस सेंस में? फैशन जो फिल्म है इसमें suicide के के बैकड्रॉप में देर आर टू केसेस, दो सिनेरियोज हैं। देखिए डर्टी पिक्चर जो है वो सिर्फ सुइसाइड प्रेजेंट करती है, राइट? बिल्कुल, ठीक है। डर्टी पिक्चर जो है वो सिर्फ सुइसाइड प्रेजेंट करती है। आपकी इस लिस्ट में डर्टी पिक्चर है? नहीं मैम। ठीक है, सो एक फिल्म आई थी अभी कुछ रिसेंटली उसका नाम था हीरोइन, आपने इस लिस्ट में डर्टी पिक्चर और हीरोइन दोनों नहीं डाले हुए, ऐसे ही है? जी मैम। अच्छा, तो बेसिकली फैशन फिल्म जो दो केसेस दो सिनेरियोस प्रेजेंट कर रही है उसमें से सिनेरियो वन है सुइसाइड जिसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्चुअली डाइज, ठीक है? जबकि मेघना माथुर जो है फैशन फिल्म में वो ओवरकम कर लेती है, जो आपकी रेनॉल्ड है शी डाइज लेकिन मेघना माथुर जो है शी रिकवर्स, राइट? तो आपको इस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फिल्म एक्चुअली क्या कर रही है। सो आप जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि जब आप इंट्रोडक्शन में जब जाएंगे तो आपको शायद प्रॉबली आपको मालूम, आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं है, आपकी एक सीनियर स्टूडेंट है जो इससे मिलते जुलते टॉपिक के ऊपर काम कर भी रही है इस वक्त, और आपको मैंने उस टॉपिक का बहुत नैरो वर्जन दिया था बिकॉज उसका टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। शी हैज़ पिक्ड अप सैंपल ऑफ 8 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु कमिटेड सुइसाइड, ठीक है?
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस लड़की का जो टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर प्रोपोज थीसिस है, शी इज लुकिंग एट एक्चुअल सुइसाइड केसेस. ठीक है, उसने उसके सैंपल में 8 केस स्टडीज हैं. आपके सैंपल में केस स्टडीज नहीं है. व्हाट शी इज सेइंग, शी हैज इंक्लूडेड 8 रियल केसेस इन अ सिमिलर टॉपिक. उसका टॉपिक है डर्टी पिक्चर. ठीक है, और डर्टी पिक्चर के आगे यही है, अ स्टडी ऑफ द सुइसाइड केसेस ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. एंड शी सेज के जी आई हैव पिक्ड अप अ सैंपल ऑफ 8 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु एक्चुअली कमिटेड सुइसाइड. सो यू नो, आपको समझ आ गया ना कि मैं आपसे क्या कहती हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टडीज. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब अगर मैं कहूँ कि आपका टॉपिक जो है वो आपके टॉपिक में और उसके टॉपिक में फ़र्क ये था कि उसका टॉपिक जो है सर्वाइवर्स को नहीं कवर कर रहा. जबकि फैशन फिल्म में आपके पास यू हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स जिनमें वन सर्वाइव्स एंड द अदर डाइज. तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपको यू गिवन डिफरेंट डेडलाइंस. आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन आप जितना जल्दी डिस्कस कर लेते उसमें मैं फिर आपको ये डायरेक्शन या आपको थोड़ा सा ये पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर सकती थी कि फैशन इज एक्चुअली शोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, वन दैट एक्चुअली डाइज एंड दी अदर दैट सर्वाइव्स. तो फैशन की एक्चुअली फैशन फिल्म की ये ब्यूटी थी कि डर्टी पिक्चर का कैरेक्टर डाइज और हीरोइन का कैरेक्टर सर्वाइव्स, जबकि फैशन हैज़ बोथ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन वन फिल्म. आपका पूरा प्रपोजल इस वक्त ऑडियंस रिसर्च पे फोकस कर रहा है. योर प्रपोजल डज नॉट इंक्लूड एनी, यू नो, जिस तरह बतूल ने ट्राइंगुलेट किया कि शी इज़ एनालाइजिंग कॉन्टेंट ऑफ ड्रामा एंड शी इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग ऑडियंस सर्वे. आप जो हैं उसमें आपने यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनालिसिस ऑफ फैशन फिल्म, यू हैव ओनली ऑप्टेड फॉर एनालिसिस ऑफ यू नो ऑडियंस रिस्पॉन्स, ऑडियंस रिस्पॉन्स और इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटी सुइसाइड या सेलिब्रिटी सुइसाइड अटेम्प्ट ऑन ऑडियंसेस. क्योंकि ये तो आप देखें ना, ये इसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप सेलिब्रिटी की बात करते हैं, सेलिब्रिटी क्रिएट फैंडम, इज दैट राइट? सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं. और अगर आपको पता चले कि जी तीसरे महल्ले में समबडी कमिटेड सुइसाइड इन दैट पार्ट ऑफ लाहौर, फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन PCSIR एंड यू लर्नड के अखबार में आपने एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी एंड द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट सेज दैट समबडी कमिटेड सुइसाइड इन वॉल्ड सिटी, तो दैट वुड नॉट, एन ऑर्डिनरी पर्सनल सुइसाइड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन यू एज एन ऑडियंस, विल इट? मैम नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. लेकिन सेलिब्रिटी सुइसाइड विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसेस. ठीक है, बिल्कुल. उसमें ऑडियंस इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑडियंस इन पाकिस्तान एंड ऑडियंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेदर लिविंग इन यूके और यूएसए, दैट वॉचेज इंडियन फिल्म विल बी यू नो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सुइसाइड. ठीक है, ये हॉट डिस्कशन में रहेगी, इम्पैक्ट भी होगा. यू सेड कि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपका मुझे मतलब आई सेड कि आप अगर मुझसे साथ साथ अपने मुख्तलिफ स्टेजेस पे डिस्कस करते रहते तो आई कुड हैव एक्चुअली टोल्ड यू कि सुइसाइड रिसर्च एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन आई वाज योर एज एटलीस्ट. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि सुइसाइड रिसर्च जो है, क्योंकि आई वाज स्टडिंग एट गोल्डस्मिथ्स इन बैक इन 94-95, तो उस वक्त दे वर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग research on suicide and they were looking for students who were interested in PhD. ठीक है, तो वो आप समझें कि organized research on this subject started at least back in 90s. I'm sure कि उससे पहले भी होगी. तो मैंने जो दूसरी स्टूडेंट है उसको भी लिटरेचर सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी. तो व्हाट आई डिड वन डे कि मैंने ऐसे ही बैठे बैठे, बिकॉज शी आई एम सुपरवाइजिंग हर वर्क, तो मैंने एक दिन ऐसे ही, उसने कहा कि मैम लिटरेचर नहीं मिल रहा, तो व्हाट आई डिड, मैंने गूगल पे लिखा सेलिब्रिटी सुइसाइड एंड आई एंडेड अप विद परहैप्स अ लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है,
तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो आई कुड हैव शेयर्ड द सेम ईमेल विद यू. मेरा मुझे कोई तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा लगा था इन फाइंडिंग दोज टॉपिक्स एंड व्हाट आई डिड कि मैंने वो सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं उनके लिंक्स कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट को भेज दिए थे. दो आई हैड ऑलरेडी सजेस्टेड टू हर कि शी शुड कॉन्टेक्ट आमिर इन लाइब्रेरी BNU लाइब्रेरी में, सो आमिर कुड हेल्प हर फाइंडिंग लिटरेचर ऑन दिस टॉपिक. इफ आई फाइंड दैट ईमेल इन माय इनबॉक्स आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, ताकि आपको अपना रिसर्च पेपर लिखने में आसानी हो. आप अगर गूगल पे लिखते सेलिब्रिटी सुसाइड यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ PDFs. सर्वे के केस में, बिकॉज दिस स्टडी प्रपोजेज अ सर्वे, सर्वे के केस में डू यू रिमेंबर कि मैंने आपसे क्या कहा था कि सर्वे के केस में रिसर्च लिटरेचर रिव्यू और क्वालिटेटिव के केस में लिटरेचर रिव्यू में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लिटरेचर रिव्यूज? मैम मुझे अभी याद नहीं है. मैंने आपसे ये कहा था कि सर्वे के लिए लिटरेचर रिव्यू पहले करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है. तो व्हेन यू टॉक, अगर आप फैशन फिल्म की कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते तो आप लिटरेचर रिव्यू साथ साथ कर सकते थे, राइट? इस केस में आपको लिटरेचर रिव्यू, बिकॉज आपने यहाँ पे जो स्टडी प्रपोज की है, ये स्टडी जो है ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो ऑडियंस ऑडियंस बेस्ड है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ऑडियंस बेस्ड होने की वजह से आपको लिटरेचर रिव्यू जो है यू हैड टू कंप्लीट इट बिफोर प्रपोजिंग ऑडियंस रिसर्च, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आपको इंट्रोडक्शन में आपको वो आपसे मैं कही थी कि टॉपिक में लिमिटेशन होती है. टॉपिक इज नॉट सेइंग कि फैशन फिल्म हैज अ सर्वाइवर, बट यू नो योर सेल्फ कि फैशन फिल्म हैज अ सर्वाइवर. फैशन फिल्म हैज अ सब्जेक्ट दैट डाइज एंड फैशन हैज अ सब्जेक्ट दैट सर्वाइव्स. तो उन केसेस में जिस तरह डेथ का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसी तरह सर्वाइवर का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए. बिल्कुल. तो बेसिकली सुइसाइड केस तो बने ना, दोनों सुइसाइड केसेस थे, बट देर वॉज वन सर्वाइवर एंड वन हु एक्चुअली डाइड. तो ये इस चीज़ को समझ के देन वी से के बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैंस एक्सेट्रा, तो यू आर प्रपोजिंग अ रिसर्च दैट एंटेल्स ऑडियंस सर्वे. आपको समझ आ गई कि मैं आपसे एक्चुअली क्या कह रही थी कि यहाँ पे फैशन के सिनेरियोस को थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए था इंट्रोडक्शन के अंदर. ओके ठीक है. ओके अच्छा, दूसरा मैंने आपसे कहा कि आई विल फॉरवर्ड to you if I find that email in my inbox जो मैंने भेजी थी दूसरे स्टूडेंट को, I will share it with you. And if I don't find it in my inbox, तो आपके लिए छोटी सी सजेशन सिर्फ इतनी है कि आप गूगल पे इफ़ यू राइट सेलिब्रिटी सुइसाइड डॉट पी डी एफ तो यू विल फाइंड रिसर्च फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यू विल फाइंड रिसर्च फ्राम कोरिया, यू विल फाइंड रिसर्च फ्राम इंडिया एंड यू विल फाइंड रिसर्च फ्राम सर्टन अदर कंट्रीज जहाँ पे सेलिब्रिटी सुइसाइड की वजह से फैंस सुइसाइड केसेज इंक्रीज हुए, राइट? सो बेसिकली दैट बिकम्स योर रीज़न जो मैंने आपसे कहा कि लिटरेचर रिव्यू पहला ही करना पड़ता है. तो ऑडियंस सर्वे की आपकी वन ऑफ द की रीजन्स वाई यू आर इंटरेस्टेड इन ऑडियंस सर्वे, बिकॉज यू नो प्रीवियस रिसर्च शोज के सेलिब्रिटी सुइसाइड हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसिस और व्यूअर्स सिमिलर केसेज अमंग द ऑडियंसिस, ठीक है? तो वो आपकी रीजन बन जाती है दैट बिकम्स योर रीजन व्हाई यू आर प्रपोजिंग दिस स्टडी. समझ आ गई आपको? यस मैम. ऑल राइट, अब आपने यहाँ पे जो आपने सजेस्ट किया इसको आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आप इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये आपने डिड यू सी एनीवन यूजिंग दीज इंडिकेटर्स इन हिज और हर स्टडी इन द पास्ट? मैम स्पेसिफिकली सुसाइडल केसेस में तो नहीं मैंने देखा है कोई एग्जांपल, लेकिन बहुत से असल में मेडिकल क्लिनिक्स वगैरह में इस तरह ये यूज होता है टू डिटरमाइन कि उनको क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. तो मैंने वहां से ये चीज पिक की थी. अच्छा, कि तो बहुत से डॉक्टर्स इस तरह इसको यूज करते हैं. ऑलराइट,
سو دیر از ون مور تھنگ کہ آپ نے آڈینس سروے پروپوز کس کنٹری میں کیا، کس سٹی میں کیا، کس جگہ پہ کیا؟ میم لاہور میں اور کراچی اور اسلام آباد جیسے سٹیز میں جو ویل ڈیولپڈ ہیں. آل رائٹ، تو آپ کو یہاں پہ ایکچولی مینشن کرنا پڑتا ہے نا کہ آئی ایم پروپوزنگ اے اسٹڈی آف ویور ریسپانس ٹو سوئسائڈ سیلیبریٹی سوئسائڈ. میری سیمپلنگ جو ہے دیٹ انکلوڈز ویورز فرام آل دیس پلیسز جو آپ نے ابھی مینشن کیے. ٹھیک ہے، تو سیمپلنگ ٹیکنیک میں آپ کو ایج گروپ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ریسپونڈنٹ کا ایج گروپ کیا ہے. آپ کی ریسپونڈنٹ کا ایج گروپ کیا ہے؟ میم ایج گروپ اسپیسیفائی اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ کسی بھی ایج پہ آپ کو مطلب اس طرح کی ٹینڈینسیز آپ کے اندر کریٹ ہو سکتی ہیں، جیسے تھری ایڈیٹس میں ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹ ہو گئی ہیں، تو میں نے اس وجہ سے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کیونکہ ایک کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ میں بھی یہ ٹینڈینسیز پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک ورکنگ کلاس اڈلٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. اوکے، جو ویور ہے کیونکہ یہ آڈینس ریسپانس سروے ہے، تو ویور جو ہے اس کا آر یو سیئنگ کہ آپ ورکنگ کلاس سروے کنڈکٹ کریں گے؟ میم میجورٹی اوبویسلی ورکنگ کلاس ہوگی لیکن کچھ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے اس میں. آل رائٹ، آپ نے اس کا سروے کوئسچنئیر بنایا تھا؟ میم ابھی نہیں. اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا ول بی کلیکٹڈ اینڈ اینالائزڈ. ٹھیک ہے، تو اور ایس پی ایس ایس ول بی یوزڈ. دی وے یو ار پریزنٹنگ یور پروپوزل اس سے مجھے یہ لگا کہ یو ہیو پروبیبلی آلریڈی کلیکٹڈ سم ڈیٹا آن دس ٹاپک. اوکے، تو بیسیکلی ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہاں پہ جو آپ نے مینشن کیے تھے یہ جو آپ نے ٹول، اور کیونکہ ان اے وے آپ انڈیکیٹرز مینشن کر رہے ہیں نا، اور اس کے بعد کمپیریزن اور آؤٹ کم آف انٹرسٹ وغیرہ سجیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جہاں پہ چاہے آپ کو سائیکولوجیکل اسٹڈی ملی یا جو بھی ملی وہ آپ کو یہاں پہ تھیوریٹیکل جو فریم ورک ہے یا جو لٹریچر ریویو ہے ان جگہوں پہ آپ نے جو آگے جا کے یہ ٹول میں آپ نے یہ چیز ایڈ کی وہ آپ یہاں پہ اس کو کہیں پہ مینشن کرتے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ دیر آر ریسرچز فرام ادر کنٹریز جس میں سیلیبریٹی ڈیتھ واز سین، سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ اپنے لٹریچر ریویو میں یو کوٹ ریسرچ فرام ادر کنٹریز ویئر سیلیبریٹی ڈیتھ واز سین، بیکاز رائٹ ناؤ یو آر پروپوزنگ ٹو لک ایٹ امپیکٹ آف سیلیبریٹی ڈیتھ آن آڈینسز. ٹھیک ہے، سو وچ مینس کہ آپ کا آبجیکٹیو آف اسٹڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ امپیکٹ آف سیلیبریٹی سوئسائڈ آن آڈینسز ان کانٹیکسٹ آف جو آپ کی فلم ہے. ٹھیک ہے، فیشن. جی ٹھیک ہے، اور آپ ڈو یو سی کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ تین چیزیں ڈالی، تھری کمپوننٹس، ٹھیک ہے، تھری کمپوننٹس کس چیز کے ہیں یہ؟ میم بیسکلی یہ تھری اس تھیوری کے مطابق جب یہ تھری کمپوننٹس فلفل ہو جاتے ہیں تو ایک پرسن کے اندر سوسائڈ کرنے کی ٹینڈینسیز انکریز کرتی ہیں اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے بہت سے کیسز. دس ایکسپلینیشن وڈ بی نیڈڈ ان یور ریسرچ پیپر جو آپ کو سیکنڈ اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے نا، حالانکہ اس کو تو بریفلی پروپوزل میں اس کو ضرور آنا چاہیے تھا یہاں پہ، بہت ڈیٹیل میں نہیں، ریسرچ پیپر میں تو یو کین ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل، بٹ ہیئر یو کوڈ بریفلی سے کہ یہ دیز ٹینڈنسیز ور سین ان دا کیریکٹرز آف فلم فیشن. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ الفا کرونبیک کا آپ نے کہاں سے اٹھایا پوائنٹ؟ میم یہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے نیٹ پہ سے ملا تھا، اور بیسکلی جو ریگریشن انالیسز ہے اس کے سملرلی یہ پروسیس ہے. تو جب میں ریگریشن انالیسز کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو بیسکلی میں آئی کیم اکراس اٹ. آل رائٹ، وہ جو آپ کو میں نے گوگل کلاس روم میں ایک ٹیبل پوسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ کو الفا کرونبیک لکھا ہوا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یو کین وائل رائٹنگ یور ریسرچ پیپر جو آپ کا فائنل ایگزام ہے، اف یو گو بیک ٹو دا ٹیبل یو وڈ سی کہ کس کون سے ویریبلس ہیں جہاں پہ الفا کرونبیک مینشنڈ ہے، اینڈ یو کین ایکچولی سے کہ جی دس از واٹ ول بی ڈن. ٹھیک ہے،
तो अब रिसर्च पेपर में मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपके पास ऑडियंस डेटा तो कलेक्ट करने का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आपको क्वेश्चनर भी डेवलप करना पड़ेगा. सो आप फिर रिसर्च पेपर में क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं कि यू गो बैक टू फिल्म एंड यू लुक एट बोथ द कैरेक्टर्स. क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक में ज़रा सी लिमिटेशन होती है. टॉपिक इज एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन सर्वाइवर. ऐसे ही है ना? बिल्कुल. दिस टॉपिक डज नॉट फोकस ऑन द सर्वाइवर, बट जो सर्वाइवर है उसने सुइसाइड अटेम्प्ट की, राइट? सो बेसिकली इट इज अ केस जिसमें समबडी सर्वाइव्स. ओके, तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप यू कैन लुक एट इट कि आप रिसर्च पेपर में किस चीज़ पे फोकस करेंगे. यू कैन यूज द सेम ऑब्जेक्टिव जो आपने यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन लिखा और जो ऑब्जेक्टिव लिखा. बस इस रिसर्च क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा फ्लॉ है कि आपने इसमें लिखा है फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री, जबकि आई द टॉपिक डिमांड्स कि आप इस क्वेश्चन की फिल्म से रिलेशनशिप रखें. ओके, सो यहाँ पे एट टाइम्स यू व्हेन यू राइट अ रिसर्च क्वेश्चन यू आल्सो से व्हाट मेथड यू विल यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो जब आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो, सो यू कैन राइट हियर कि दिस वाज माय रिसर्च क्वेश्चन एंड आई यूज सच एंड सच मेथड टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, तो बेसिकली. और दूसरी बात यह है कि इफ़ यू आर अनएबल टू कलेक्ट डेटा, आप उसमें देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से जल्दी से कुछ डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ. ओके, ठीक है, कोशिश पूरी करूँगा. ऑल राइट, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अली हैदर? नो मैम, काफी कुछ हो गया ऐसा. ऑल राइट, थैंक यू अहमद मसूद. थैंक यू मैम. ओके, कैसा चल रहा है आप लोगों का सेशन? मैम से बात करता हूँ, आपकी भी प्रेजेंटेशन आज लें, आप अवेलेबल हैं, ऐसे टाइम ना जाया करें. वेरी इंफॉर्मेटिव यार, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें. जी अली हैदर. जी मैम. आई थिंक यू कैन स्टार्ट योर डिस्कशन. ओके मैम, माय टॉपिक इज दे दे कॉल अस हिंदूस हे वी आर पाकिस्तानीज. A study of minority rights to national identity and citizenship in Pakistan. I'll start with giving you a background first. 1947 partition. Yes, in 1947, the Indian subcontinent was divided into two countries, Pakistan and India, on the basis of religious identity. The time of partition was marked by bloodshed, religious persecution, and horror as millions of people were displaced from their homeland. This displacement was caused by religious pressure from their surroundings. The Hindus in Pakistan were pressured to leave the country, and Muslims in India felt the same pressure. This also caused a loss of national identity for millions of people, as most had not entered Pakistan or India by choice. This is a story of those Hindus who did not leave their homeland and sought a home and identity in the newly created country called Pakistan. As time progressed, the situation worsened for Hindus of Pakistan as religious persecution forced them to flee. Over time, many fled to India for survival. Most of these cases came from province of Sindh, located in Pakistan, as they housed most of Pakistan's Hindu population. Furthermore, both countries have been engaged in a number of wars throughout their history, beginning from the partition of 1947, which further added to hostility against minorities in Pakistan. The last armed conflict of the Kargil War in 1999 again intensified hostility. A large number of Hindus in Pakistan, especially in Sindh province, have since faced religious persecution to fled to neighboring India. This documentary, especially they call us Hindus and here we are Pakistanis, details the story of refugees who have to constantly battle for survival as they struggle to find a national identity. Now, I would like to share my film story with you people. The documentary is filmed in Jodhpur province of India, where most of these Hindus who fled from Pakistan have
over time created their own areas, such as the Bheel Basti area created by Goman Ram, originally a Hindu Pakistani national, who fled his homeland in 1997 and created a home here. Within the documentary, Goman Ram takes us through the life him and his people live in India, such as facing a lack of electricity and water supply in their area. As official policy dictates that only an Indian national can obtain a water and electricity connection. We see how people in this area have to obtain water through a leakage from a running water pipe through the area. It is one of many small bastis created by these refugees. Throughout the documentary, almost every person interviewed describes a struggle to obtain citizenship in India, as no clear policy exists to facilitate them. Almost all of these people live in India through the pilgrim visa. The struggle for official recognition and government facilitation is described by a lawyer, a human rights activist, Hindu Singh, who is recurring character fighting on behalf of these refugees. Now I'll share my objectives with you. My first objective is to highlight a government neglect and a lack of official policy in handling refugees cases in India by using this film. Number two, to examine religious persecution of minorities in Pakistan through case studies. Hold Kiran, please. Ji, ma'am. Please, everybody else, please turn off your microphones. Because I think ke yahan pe backdrop mein kuch noise zyada hai. So we just stick to Ali Harris' presentation. Ji, ma'am. Mere khayal se theek hai. Ji. My second objective is to examine religious persecution of minorities in Pakistan through case studies of Hindus who have fled to India, as highlighted in this film. Yes. Number three, to examine the historical identity crisis faced by Hindus and other minorities in both Pakistan and India through exploration of the film "They Do Call Us Hindus" and "Here We Are Pakistanis." And my research questions are: do religious minorities in Pakistan face an identity crisis? Number two, what are the issues of citizenship faced by Pakistan's minorities fleeing to different countries? Okay. There's one more thing which I didn't add in this presentation, my theoretical framework. Basically, I used two theories for this. Number one, trauma theory, and post-colonial theory. Yes. Now I'll move to this research methodology. The data gathered for the study will be primary and quantitative nature. A general questionnaire will be handed to the people. The gathered primary data will be analyzed through the use of SPSS. My sampling distribution, the sampling distribution will be will divide the audience types into two types, one minority and non-minority groups in Pakistan. Validity and reliability is the validity of data will be tested through the use of SPSS. And the last is the conclusion. The proposal draws its basis through the documentary, which raises the issue of failing Pakistanis Hindus facing issues of citizenship in India. As seen from the film, the issues of being denied citizenship in India and having two-faced religious persecution in Pakistan has created an identity crisis with these people. Like these people, these Pakistani Hindus, other religious minorities also face persecution in Pakistan. The focus of the future study will be to explore this identity crisis raised as a result, along with how gaining citizenship remaining a constant battle for these people. The methodology present for carrying out this research lays the groundwork for a future survey to be conducted that will help gain a perspective on the topic. As such, we will be able to draw a pattern from the data to further present causes for this identity crisis, along with the persecution of religious minorities in Pakistan. And that's it. Thank you. All right. Good. Ji, questions?
बतूल रमला अहमद नबी कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, बड़ा बेहतरीन था अली का प्रेजेंटेशन, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सैफ कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। मोहम्मद अली 119 क्वेश्चन है कोई? नो मैम, मैम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू नेशनल आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप इन पाकिस्तान। सो ये आई थिंक आपका ये टॉपिक जो है ये कौन से ब्लॉक में था, सर्वे वाले ब्लॉक में? यस मैम। ठीक है, सर्वे की रीजन के बैकड्रॉप में आपकी ये फिल्म मौजूद है इन योर टॉपिक, ऐसे ही है? यस मैम, यस मैम। हमने लिखा देयर द कॉलर्स हिंदू हियर वी आर पाकिस्तानीज A study of minority rights, which means कि आपका ये टॉपिक जो है बज़ाहिर आपको दोनों चीज़ें सजेस्ट कर रहा है इन द मैनर जो कि बतूल ने किया था, शी प्रपोज्ड ट्रायंगुलेशन ऑफ मैथड्स। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ ये बताई थी कि आपका टॉपिक जो है वो ट्रायंगुलेशन ऑफ मैथड्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इट वॉज नॉट नेसेसरी कि आप ट्रायंगुलेट करें। इट्स फाइन कि आप सर्वे पे जा रहे हैं, लेकिन दिस टॉपिक डज रिक्वायर कि आप फिल्म के बारे में जरूर बात करें। सो इंट्रोडक्शन का अच्छा पार्ट ये था कि आपने बैकग्राउंड और फिल्म दोनों को कवर कर दिया, सो इंट्रोडक्शन वाज वेरी गुड। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं तो आई कैन सी कि इन योर ऑब्जेक्टिव्स यू हैव मेंशनड द फिल्म, you are proposing a survey based research, lekin usme bhi you are saying ke the reason why you came up with this idea of research because you watched a film that is actually showing people who are leaving Pakistan even after 70 years of the partition, so objectives are fine. theek hai, uske baad hum jab aapke research question pe aate hain, आपने रिसर्च क्वेश्चन में लिखा डू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, एज शोन इन द फिल्म देयर द कॉलर्स दोस हियर वी आर पाकिस्तानीज। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, द वे योर ऑब्जेक्टिव्स हैव अ रिलेशनशिप विद द फिल्म, द रिसर्च क्वेश्चन शुड ऑल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद द फिल्म। हालांकि आप ऑडियंस सर्वे के लिए रिसर्च क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है? तो ऑडियंस अगर आपके टॉपिक में फिल्म शामिल ना होती एंड यू वुड सेइंग कि यू आर स्टडिंग माइनॉरिटीज crisis ya minority issues in regards to minorities identity crisis to in against the backdrop of jo bhi aap film keh rahe hain etc, so main aapse sirf ye keh rahi hu ki the way your objectives have a relationship with the film in a manner questions ka bhi there should be some relationship with the film aur theek hai uske baad lekin apart from it it is fine I think isme aapne sirf thoda sa minor si change karenge when you write your research paper apne research paper mein ye objective ko jo maine aapse kaha ki the film raised these questions in your mind isko just make sure it's part of your question when you write your paper okay ma'am main wo down kar sure aur aapne kaha ki primary data with supported by secondary kyunki you cannot write you cannot propose research khas taur pe survey ko aap literature review ke bagair kar hi nahi sakte yahan pe aapne literature review ka slide nahi dala lekin agar aap include kar lete to aap it would include kar lete to that would actually show मैम एक्चुअली वो 7 मिनट्स थे तो इसलिए आगे मैक्सिमम मेरा इंट्रोडक्शन पे मैंने थोड़ा फोकस ज़्यादा करना था, किसी एक को मुझे प्रायोरिटी चूज करना पड़ रहा था। इट्स परफेक्टली फाइन, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ पे एक स्लाइड आता तो वहाँ पे आप सिर्फ ये कह सकते थे कि पीपल लाइक फॉर इंस्टेंस तारिक रहमान एंड अदर्स दो चार नाम और लिख देते हैव बीन राइटिंग ऑन माइनॉरिटी इश्यूज इन पाकिस्तान सिंस
1947 तो वहां पे चार पांच लोगों के नाम मेंशन करके यू कुड ब्रीफली से व्हाट दीस पीपल्स आर राइटिंग अबाउट, वो आपका आपका पॉइंट कवर हो जाता. बिल्कुल. अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि यू विल इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चनेयर. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में रिसर्चर का इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यू विल हैव टू कंट्रोल रिसर्चर इफेक्ट. ओके. यस मैम. यस. अच्छा, यहाँ पे क्या स्लाइड होना चाहिए था? आप व्हाट यू वर डिस्कसिंग वाज नॉट कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च, यू वर डिस्कसिंग डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड. तो आपका सिर्फ टॉपिक गलत है यहाँ पे, व्हाट यू डिस्कस्ड वाज फाइन. ठीक है. सो आपसे मैं कह रही हूँ कि आपका जो जो प्रपोजल की आखिरी हेडिंग थी दैट वाज डिस्कशन एंड एनालिसिस. ओके. सो मुझे ये लगता है कि आपने जल्दी में बनाते हुए इस यहाँ पे गलती से कंक्लूजन लिख दिया. यू वर एक्चुअली सेइंग कि आपने चूंकि सर्वे से डेटा कलेक्ट किया है तो व्हाट मेथड यू विल यूज फॉर डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा, जो कि यू एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट. ठीक है जी. किसी का कोई भी क्वेश्चन है? अहमद नबी, डॉक्टर साहब. नहीं मैम, ये काफी अच्छा अली ने बता दिया, बाकी सब ये आपका भी अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. मिड टर्म तो ठीक ही मोर ऑर लेस, तो यहाँ भी आई थिंक यू शुड बी फाइन. तो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? फारूक. फारूक आप मौजूद हैं? यस मैम. आई थिंक हमने आपकी ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी, सो वी कैन गो टू इट. जी. अच्छा, सो द टॉपिक फॉर माय प्रेजेंटेशन इज द स्टडी ऑफ मैरिटल रेप इन पाकिस्तान एंड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम. The marital rape has always been a taboo topic in most of the societies. Ranjha Ranjha is the first TV play that portrays the marital rape to mass audiences. One of the biggest hit dramas of the year 2018 TV. Hum TV presents this drama while making so many aspects of society. So basically, जो research proposal जो है उसका जो main objective जो वो ये है कि हम basic जो main वो ये है कि जो woman जो फेस करती है marital rape जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी सिंगल केस कोर्ट में फाइल नहीं हुआ. ये 2007 में जो है वो लॉ बना था जो कि अंडर जिना लॉ आता है मैरिटल रेप. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय रिसर्च प्रपोजल इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट हाउ पाकिस्तानी ड्रामा रंजा रंजा करती चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिटल रेप इन पाकिस्तान. Why has the marital rape always been a taboo subject in Pakistan and how the drama Ranjha Ranjha did portray this issue to the mass audience? How the law of Pakistan caters this crime, the law that has made for this, and why not people report this in court? The significance of the study, the purpose of this research is solely to understand the significance of marital rape in Pakistan. And over the years, this topic is not discussed as it is discussed in Ranjha Ranjha Kardi. The research tries to identify how much the people of Pakistan are aware of this act. And after the drama was aired online, there were so many discussions started. So, इधर मैं एक बात ऐड करूँगा कि जो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है मैरिटल रेप के ऊपर पहले बात नहीं हो रही थी. Ranjha Ranjha Kardi जो है इस ड्रामे ने काफी सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको मजबूर किया था. इस पे बात हुई थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी इसके ऊपर कि जो ये जो शो किया गया है वो किस तरह है, ये क्या सही है क्या नहीं. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो भोला, जो दो करेक्टर्स हैं भोला और नूरी, जो भोला है उसने ये एक्ट किया और उस पर कोई उसमें उनको दिखाया नहीं गया कि उसको एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया कि वो मतलब कि जो रिश्तेदार जो है उसको क्या कहते हैं वो करते हैं और कोई प्रॉपर उसके जो नहीं उसके लिए एक्ट वो नहीं किया गया, उसको मतलब कि पनिशमेंट वगैरह कोई नहीं दी गई उसके अंदर. वो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है जो कि, लेकिन
मेजर जो एक्सपेक्ट है वो ये है कि एटलीस्ट जो है राजा राजा कर्दी ने एक मास ऑडियंस तक एक पैगाम पहुंचाया, जो कि मेरी स्टडी जो है उस पर बेस करती है कि राजा राजा कर्दी जो है उसने एटलीस्ट ये स्टेप तो लिया कि हम लोग जो है ये मैस ऑडियंस तक पहुंचाएं, क्योंकि टेलीविजन जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैस ऑडियंस तक आपका जो मैसेज है वो पहुंचाता है. लिटरेचर रिव्यू विद दीज बीइंग द मेजर लाइंस ऑफ द आर्गुमेंट वी हैव कोप विद persistent problem, it comes as no surprise that we have yet to acknowledge that marital rape exists. In Pakistan, approximately 20-30% of the women face some form of domestic abuse during their lifetime. Marital rape is a common form of spousal abuse and it is not considered to be the crime under the Zina law. ये पहले नहीं था, अभी हुआ है. 2007 के जो amendment है उसमें क्या कहते हैं Zina law को के अंदर इसको add किया गया है. और marital abuse is generally considered to be family and private matter in Pakistan, which is another reason of why women refrain from reporting this in fear of social judgment. अच्छा, ये एक और बहुत important matter है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये एक main वजह है जिस वजह से जो है वो court में report नहीं किया जाता, क्योंकि जो women है वो fear करती हैं कि जो उनका social judgment जो है उनके जो होगी उसकी वजह से वो ये नहीं किया जाता. और ये बाद में बाकी उस पर आ जाती है वापस के जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे. अच्छा, एज वी हैव सीन इन ड्रामा रंजा कर्दी, इफ यू रीथिंक द सीन दैट एलैबोरेट्स द मैटर रेप, इट हैज शोन इन सीन दैट बोला हु हैज ऑन सम काइंड ऑफ ड्रग इज गिवन टू हिम विद हिज फ्यू ऑफ हिज रिलेटिव्स दैट लेट हिम टू फोर्स हिज वाइफ. Another scene of this drama in which Bhola mother tries to cover her son's act of marital rape by saying he's not in senses, he's manipulated by his friends or maybe his relatives or because of drugs. There are many aspects that can be derived from this drama, but most important is that Ranjha Ranjha reaches out to the masses with the message of marital rape. Sure. The limitation of this study is the first people is not much aware of this as we think, because after all they are the limitations hum jo limitation of the study is limited to the 31 episodes of Ranjha Ranjha Kardi, and the survey I am going to conduct with the people of almost 20 and the samples wahan se hum collect karenge uske par base karte hain. Do limitations iski hai ki ek to samples aur ek jo iske episodes hain the जो के 31 एपिसोड्स ऑफ राजा कर दिए हैं. अच्छा, जो दो थ्योरीज फ्रेमवर्क जो है जो थ्योरीज मैंने इस पे अप्लाई किए हैं, कल्टीवेशन थ्योरी जो है, एज वी नो दैट कल्टीवेशन हैज एलिबेटेड द मीडिया इफेक्ट इन रिलेटिव टू वायलेंस, सेक्स, रोल परसेप्शन, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड मेनी अदर डोमेन्स. इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज द ऑडियंस ऑफ टेलीविजन एज कंपेयर टू सिनेमा, एंड आवर टेलीविजन ड्रामास हैज वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस. The television drama Ranjha Ranjha Kardi has influenced so many people around the Pakistan and created awareness of marital rape around the Pakistan. Through cultivation in mind, it is stated that Ranjha Ranjha Kardi has dual impact on audience. Firstly, they have created an awareness among the audience about marital rape, and secondly, the negative impact that it creates, that it shows that no action taken against Bhola, as I have stated earlier. Rational. So marital rape is also something that is no longer has never been discussed in Pakistan. There are so many papers, illegal laws are made to cope with marital rape, but we think that only the legal laws could not make any difference. The media and the social awareness should be created. That's why the Ranjha Kardi did. Okay, research methodology. Acha. The research paper scholars utilize two different approaches. One is to analyze the drama, and the other is a public survey. The research use methodological triangular method and use questionnaires and the content analysis instruments. The two instruments will be used to collect data is survey questionnaire comprises of closed end questions and options for choice option questions. And content analysis should be done with the help of the theories and law Ranjha Ranjha Kardi should be analyzed. And the last is a table, and it shows all the questions, thesis questions, and objective of the study.
And that's all, I guess. Thank you. All right. आप से जी क्वेश्चंस हैं? एनी क्वेश्चंस? अहमद नबी? नहीं मैम, बहुत अच्छी थी ये भी. All right. Batool, do you have any questions or suggestions or comments on the presentation? नहीं मैम. जी मोहम्मद अली 119. नहीं मैम. जी मोहम्मद अली 118. नो मैम. फारूक? यस मैम. अच्छी प्रेजेंटेशन है. आई एम हैप्पी यू आर वेरी क्लियर हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट एंड हाउ यू शुड प्रेजेंट लिटरेचर एंड मेथोडोलॉजी फॉर इट. अच्छा, मेरा आपसे वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अली हैदर से कहा था. आपका आखिरी स्लाइड के बारे में आपको टाइम नहीं मिला टू इंक्लूड स्लाइड ऑन डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड एक्सेट्रा? नहीं मैम, वही टाइम के भी इशू. दूसरा ये कि एट द एंड मैंने एक्चुअली मुझे समराइज करने के लिए एंड इन टेबल डाल दिया था इस वजह से ताकि. All right, it's perfectly fine. Just try telling me how you would analyze your data, what method you will use to discuss okay. analyze data. Ji मैम, दो चीजें हैं. एक तो हमारी जो बेसिक जो है वो ये कि हमारा जो ड्रामा है उसका एनालाइज किया जाएगा, उसके मुताबिक 31 एपिसोड्स हैं उनको देखा जाएगा. उसके अलावा जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे ट्रायंगुलर मेथड, जो मैंने पहले भी मैंने बोला है कि जो अप्रोच जो है इसकी उसमें रिसर्च पे यूज मेथड ट्रायंगुलाइजेशन जो है विद द मिक्स फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड कंटेंट एनालिसिस. तो जो क्वेश्चनेयर जो डिजाइन किया था हमने बतूल के पास भी हमने मिलकर डिजाइन किया था, उसमें वो यही था कि हमने अच्छा बतूल का ये है कि उसने जो कहा था कि मैं अनमैरिड से भी करवाऊंगी मेरे ख्याल से आई गेस ये था. मेरा था कि हम दोनों से करवाएंगे ताकि हमारे पास एक, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितनी अवेयरनेस है लोगों को इसके बारे में और जो खाली रांझा उसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया. क्योंकि जब मैं इस पे काम कर रहा था तब भी काफी सारे लोगों से मैं बात करता था, उनको पता नहीं था कि ये है क्या. All right. Batool, can you help him here? मैम वो बताया फारूक ने कि फारूक और मेरा दोनों का क्वेश्चन चेंज था. तो फारूक बता रहा है कि वो अपना उसमें डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड पे है क्वेश्चन. आई आस्क्ड हाउ वुड यू एनालाइज योर डेटा. फारूक जो बतूल ने प्रेजेंटेशन दी थी उसका आखिरी स्लाइड जो था वो ये था डिस्कशन एंड एनालिसिस में के फिल्म नंबर वन कंटेंट ऑफ फिल्म विल बी एनालाइज्ड मेथड वन में. yes. और नंबर टू में उसने कहा कि शी विल यूज एसपीएसएस टू एनालाइज डेटा कलेक्टेड वाया सर्वे. तो जो आपका डिस्क, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिकर्ट स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे, आई कैन सी कि इंस्ट्रूमेंटेशन इज शोइंग लिकर्ट स्केल. तो ये yes, जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने ये कह दिया कि 5-point स्केल पे आपने सर्वे क्वेश्चनर डेवलप किया है. तो जो डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि यू आर यूजिंग एसपीएसएस टू एनालाइज योर डेटा, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग कंटेंट एनालिसिस मेथड टू एनालाइज द फिल्म एंड यू आर यूजिंग एसपीएसएस टू एनालाइज डेटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे. तो जब आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे जो आपका अगला फाइनल एग्जाम है उसमें बस आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि दिस इज हाउ यू कलेक्टेड डेटा एंड एनालाइज डेटा. आप सिर्फ डिस्कशन एनालिसिस मेथड ही बताना होता है कि एनालिसिस का मेथड क्या है, ठीक है. सो जो आपका जो प्रपोजल का क्लोजर है वो एनालिसिस मेथड पे ही है. वन इज कंटेंट एनालिसिस मेथड एंड द अदर इज एसपीएसएस दैट यू यूज फॉर एनालिसिस, ठीक है. ठीक है, ठीक है. ओके, थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड प्रेजेंटेशन जी. जी अफरोज. सो माय क्वेश्चन इज, मेरे पास तुम हो अ स्टडी ऑफ द मेल फियर अराउंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअलिटी. सो बेसिकली इन इंट्रोडक्शन, मेरे पास तुम हो इज अ ड्रामा सीरियल ऑफ 2019 रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर एंड डायरेक्टेड बाय नदीम बेग. द ड्रामा गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स cast including Humayun Saeed, Adnan Siddiqui and Aiza Khan and mainly due to the idea. So basically the drama
takes a spin on the traditional story of a man cheating on a woman. In this drama serial, Mavish, the protagonist, cheat on her loving husband. So basically, ये drama की popularity का जो main reason भी था वो भी यही था कि इसमें लड़की cheat करती है. जो the heroine है वो उसका नाम है महविश. She cheated on her loving husband. Well, Danish with a rich businessman, Shahwar, the motive behind this extramarital affair is not love but wealth. Obviously, वो अमीर आदमी होता है और उसकी वजह से जो ये जो है महविश, ठीक है, वो अपने हस्बैंड को चीट करती है. The study aims to highlight the ingrained misogyny in Pakistani society in the regards of infidelity in the marital relationship. While male infidelity is often brushed off as something normal, a woman's infidelity causes up an uproar. Obviously, जब कोई लड़का हमारी सोसाइटी में है इसी तरह कि जब कोई लड़का कोई गलती करता है तो उसको उसको कहा जाता है कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं और वो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई औरत इस तरह करती है तो वो उसका तमाशा बनता है, फिर उसका वो शोर ज्यादा उठता है. On one hand, this idea is a blow to women empowerment and it gives men the liberty to do anything abnormal under the flawed pretext of religion and culture norms. On the other hand, it shows how scared Pakistani men are of the woman empowerment and who takes her sexuality in on her hands. Obviously, ये depend करता है जब भी ये हमारी जनरेशन भी है और इससे पहले भी और उससे पहले भी जितनी भी जनरेशंस अभी तक ये 21 सेंचुरी अभी चल रही है, लेकिन हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जब भी कोई औरत कुछ करना चाहती है या वो घर से बाहर जाना चाहती है तो हमारे घरों में एक पैट्रियार्की सिस्टम है जो अलाउ नहीं करता इस चीज को कि औरत घर से बाहर जाए. ऑब्वियसली जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो हमारे घरों को चला रहे होते हैं, तो वो जब चला रहे होते हैं तो वो उनकी वो मर्जी या उनके डिसीजंस जो हैं वो चलते हैं. सो द स्टडी विल बी कंडक्टेड इन द लाइट ऑफ मेरे पास तुम हो to examine how the drama serial reveals misogynist mindset of men in Pakistani society and their ingrained fear of women's empowerment. Patriarchy in our society has been used for suppressing women's rights and sexuality for centuries. इसमें एक तो ये बात है कि ये पेट्रियार्की सिस्टम है, दूसरा ये कि इसमें मैंने फेमिनिस्ट थ्योरी यूज की है. दिस रिसर्च विल एग्जामिन पेट्रियार्कल practices in the drama serial. Women are subjected to these practices under the umbrella of religion, culture and honor. Obviously, जो मर्द हजरात है वो जब उनको कुछ कहा जाता है तो वो फिर रिलीजन को भी ले लेते हैं साथ और कल्चर को भी ले लेते हैं और ऑनर को भी. ऑनर किलिंग हो जाती है, रिलीजन को ले लेते हैं तो वो चार शादियों की इजाजत है मर्द को, मर्द कुछ भी कर सकता है etc. Drama serial like Mere Paas Tum Ho only instill the norms a bit deeper into the people's brain and this study will examine how does so. So basically previous studies have indicated that male fear of women's empowerment and sexuality is due to their fear of losing the power they have over the weaker sex. Isme weaker sex maine woman ko kaha hai. Obviously अगर हम पहले पीछे भी चले जाएं तो जब औरत कुछ करना चाहती है तो उसको हमेशा दबा दिया जाता है या चुप करवा दिया जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंदर रिलीजन को ले आया जाता है, नॉर्म्स को ले आया जाता है, ऑनर को ले आया जाता है, ठीक है. इन पाकिस्तानी सोसाइटी मेन आर द डिसीजन मेकर्स. They control women's life so the concept of woman empowerment is a threat to their authority. This is why they go against anything that would make a woman's empowerment enough to speak up
to them, so stand against their authority. The expectation differ in different generations. Jaise maine pehle bhi bataya ki different generations mein aise hi hota hai, aur even though ki hamara Pakistan ka culture bhi isi tarah ka hai ki isme aurat ko ghar se bahar mera nahi khayal ke more than 5% women shayad 5% bhi nahi hai jo gharon se bahar kaam karne jaati hain, theek hai, aur kyunki hamare society mein hamare culture mein itna taleem pe bhi zor nahi diya jata to jo ladkiyan hain wo itna padh bhi nahi sakti. So basically this the fear of women empowerment goes on the rise when certain expectations are not met. When there are readjustments in the power dynamics in society, anxiety among the men in aise hi kuch drama serial mein bhi aise hi aata hai ki jo Adnan Siddiqui hai wo Danish ko kehta hai ki आयजा को वो कुछ पैसे 2 मिलियन देता है और उसको ऑफर करता है कि तुम इस तरह करो कि दानिश को डिवोर्स दे दो, तो वो दानिश अपनी बीवी को फिर कहता है अदनान को कहता है कि तुम ये 2% की औरत के लिए, तो बेसिकली हमारे डायलॉग्स भी ये होते हैं कि हम उसको इक्वालिटी नहीं देते, औरत को अपने साथ इक्वल नहीं समझते. सो द स्टडी डिजाइन दिस रिजल्ट of this study design will be based on a questionnaire survey. 50 individuals of age 20 to 30 will be included in the study group. The questionnaire will be related to the person's vision of women empowerment, marital rights given to the woman by Islam, legal rights given to the woman in Pakistan, Mere Paas Tum Ho drama serial, Mavish characters in Mere Paas Tum Ho. The data collected from this survey would be used to device results the answer of the main question. Significance of this study. The study will be highlight the causes of male fear of women empowerment and sexuality even in the 21st century. It will help in examine why men feel the need to curb any effort made for women empowerment and why they want to keep female sexuality in their control. Even educated men fear women empowerment, so there is definitely something that is holding back men from supporting women empowerment. The study will provide an outlook for understanding male fear in more depth. There are 2 samplings. Sample 1 is the drama Mere Paas Tum Ho and sample 2 is the survey questionnaire. The drama serial was downloaded from internet or YouTube. The technique 2, owing the nature of the study, the probability sampling technique will be used to select the sample from a middle class homes, both men and women having at least a bachelor level of education or qualification. The male answers will be used to direct insight into the men's mind, while the female respondent will give an insight how the men fear of women empowerment and sexuality affect the woman who lives with such men. So now sample distribution. So there are 75 males out of 125 females. The survey questionnaire measuring men fear empowerment and sexuality will be filled by 100 subjects. And the both have minimum bachelor's level of education. Instrumentation, there are 2 types of data collected, survey questionnaire and the content analysis of Mere Paas Tum Ho. Limitations. Some people haven't watched the drama Mere Paas Tum Ho. We cannot include the lower class people, but because they might not understand the concept of women empowerment. The study limited to Hum TV drama Mere Paas Tum Ho 2019. The study remains on 24 episodes of Mere Paas Tum Ho, which focus on the male fear of women empowerment and sexuality. Validity and reliability. The instrument
validity and reliability will be determined by plotting the instrument with the statistical tools, the statistical package for social sciences, the software SPSS will be used to analyze the data for the presence of structure among the variables of Pakistani men and their fear of women's empowerment and sexuality. So now comes on the conclusion. The recent opposition of Aurat March brought to the light of hidden misogyny of some of the most educated authorities men in the society. अभी आपने recently देखा है जो औरत मार्च हुआ है उसमें भी बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट थे बहुत से ऐसे बहुत सी ऐसी मैंने न्यूज सुनी ऑन सोशल मीडिया इवन ऑन टीवी के जो औरत मार्च है उस पे उन्होंने बहुत उसको कह लें कि गलत बातें की हैं और इवन के जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी ठीक है सो दिस स्टडी विच शेड लाइट ऑन द रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग द दिस माइंडसेट विद द मेजर एम्फेसिस ऑन मेरे पास तुम हो ऑब्वियसली पढ़े लिखे होने से और ना पढ़े लिखे होने से जो 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 है मर्द हजरात हैं उनकी जो सोच है वो सेम रहती है क्यों वो सोच इसलिए सेम रहती है क्योंकि हम जितने भी हैं वो ऑब्वियसली एक कंट्रोल चाहते हैं ठीक है कंट्रोल इसलिए चाहते हैं ऑब्वियसली औरतों पे तजाब फेंका जाता है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो जो ईगो हर्ट हो जाती है मर्द की एक मर्द की ईगो हर्ट हो जाती है सिर्फ इसलिए कि औरत जो है वो अपना सेक्स खुद चूज कर ले या वो घर से बाहर चले जाए और वो अपनी मर्जी चलाने लग जाए या जैसे भी है ठीक है सो दिस इज इट ऑलराइट थैंक यू वेरी नाइस जी क्वेश्चंस ओके आई हैव अ क्वेश्चन जी सैफ तो अफरोज आपकी एक स्लाइड में एक चीज आपने भी कही है थोड़ी देर पहले कि यू आर नॉट इंक्लूडिंग लोअर क्लास पीपल because they might not understand the concept to aapko ye nahi lagta ki lower class logo mein women empowerment ka issue zyada hota to agar aap unko include nahi karenge to phir to aapki research mujhe lagta complete nahi hogi obviously maine lower class ko isliye include nahi kiya kyunki unme se bahut se aise hain jo ke padhe likhe nahi hain theek hai to is cheez ko pehle samajhna zaruri hai ke like वुमेन एम्पावरमेंट है क्या अगर वो इस चीज को समझेंगे नहीं तो वो उस चीज उस जो क्वेश्चन है वो बेशक उर्दू में है बेशक पंजाबी में है वो उसको फिल नहीं कर सकते ऑब्वियसली दे हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट फरोज यार आपने कहा था कि 5% से भी कम पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की वो जॉब्स करने जाती है तो क्या ये एक्यूरेट है मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू किया है इसका कहीं से ये फिगर उठाने के लिए नहीं मैंने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया लेकिन मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े हैं लाइक किसी ब्लॉगर ने लिखे हुए थे आई कैन नॉट से कि ये एक्यूरेट है लेकिन ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है ठीक है एक्यूरेट नंबर है 20% फीमेल वर्कर्स है और मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिब्यून में पब्लिश भी हुआ है तो आप ये ऐड कर सकते हैं अपनी रिसर्च में डन थैंक यू अच्छा अफरोज मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूंगी कि लिटरेचर तो आपने रिव्यू किया था वो आपके प्रपोजल में मुझे नजर भी आ रहा था तो लेकिन ये है कि ये जो अहमद नबी ने जो स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया देयर इज अ पॉसिबिलिटी के वो वाला पॉइंट आपके लिटरेचर में कवर नहीं हुआ हुआ तो आपने कहा मैंने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया योर आंसर वॉज कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कि उसने रेज किया कि कितनी परसेंटेज ऑफ वेमेन है यू कुड से कि ऐसा कोई आर्टिकल आपकी नज़र से नहीं गुजरा बट यू कैन लुक इनटू इट अच्छा यहाँ पे आपने कंक्लूड शायद आई अंडरस्टैंड कैली हैदर ने भी कंक्लूजन लिखा हुआ था आपने भी कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पे यू हैड टू टॉक अबाउट योर डिस्कशन एंड एनालिसिस मैथड तो बेसिकली आई सपोज यू आर प्रोबेबली ट्राइंग टू कंक्लूड योर प्रपोजल बिकॉज आप जब इस स्लाइड पे थे यू आर टॉकिंग यू आर एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल सो आई अंडरस्टैंड के प्रोबेबली कंक्लूजन हियर मीन्स वाई माई प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट वाइल देयर शुड बी अ स्लाइड हाउ वुड आई एनालाइज माई डेटा ठीक है
तो डिस्कशन एंड एनालिसिस, वो जो अगर आप प्रपोजल प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स मांगे हुए थे, तो एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स की एक हेडिंग यहाँ कवर होनी थी, लाइक आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी एल्स, तो मैं उस पॉइंट को सिर्फ रिपीट नहीं करूँगी. ओके अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था मेरे पास तुम हो, A study of the male fear around women empowerment and sexuality. इसमें चूंकि आपने अपनी सैंपल में एक थोड़ी सी चेंज की है, यू आर फोकसिंग ऑन एजुकेटेड मैन एंड वेमेन, ठीक है, ऐसे ही है. तो अभी तो खैर मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि वी चेंज दिस टॉपिक, लेकिन चूंकि आपकी सैम्पलिंग में आपने एजुकेटेड मेल एंड फीमेल हाईलाइट कर दिया कि आपकी सैम्पल में एजुकेटेड लोग हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टडी जो है, दैट इज़ एक्चुअली योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी रिफ्लेक्शंस और रिसेप्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्शुअलिटी अमंग एजुकेटेड मैन एंड वेमेन, ठीक है, क्योंकि आपने सैंपल में फोकस ही यही कर दिया कि मैं एजुकेटेड मैन एंड वेमेन में वेमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअलिटी के जो आइडियाज़ हैं उसको स्टडी करना चाह रहा हूँ, राइट. सो आपने सैंपल में से चूंकि लेस एजुकेटेड को या कम एजुकेटेड को निकाल दिया, तो इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप ये कह रहे हो कि जी मैं सिर्फ एजुकेटेड लोगों में अपने सैंपल में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको स्टडी करना चाहता हूँ. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो कि आपको सैफ ने कहा, इफ़ आई करेक्टली अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, क्योंकि उसने जो जिस तरीके से बात की उसमें ये बात क्लियर नहीं हुई थी, आई एज्यूम ही प्रॉबेबली मेंट के जो लोअर क्लास है या पुअर क्लास है उसमें सेक्सुअलिटी एंड एम्पावरमेंट इज नॉट दैट मच एन इशू, एंड यू विल प्रॉबेबली फाइंड मोर पीपल फ्रॉम लोअर क्लास जहाँ हु आर वेरी कंफर्टेबल इफ वेमेन गो आउट और इफ वेमेन हैव रिलेशनशिप्स एंड इफ वेमेन you know they return to their families after having an extramarital affair somewhere else. So I assume ke probably Saif meant that. Saif aap kya keh rahe the? Main iske opposite keh raha tha. Main ye keh raha tha ke ye keh rahe the lower class is cheez ko understand nahi karegi, lekin mere khayal mein lower class mein ye issue zyada hota hai jahan pe women zyada oppressed hoti hain. All right, so you are probably, you know, there is a difference between socio-economic groups. एक ऐसा ग्रुप जिसकी जिसका सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब यू हैव अ मेड एट योर होम और वुमन इज़ द मेड एंड हस्बैंड इज़ द ड्राइवर, तो मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि इस लेवल पे समटाइम्स आई हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस जिसमें आई लर्नड के जी मेड की बहन भाग गई या मेड की बहन को मियाँ ने वापस भेज दिया एंड शी हैड अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स. तो मैं विच मीन्स के प्रॉबेबली सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप चेंज होने के साथ रिस्पॉन्स चेंज हो जाती है. सो वॉट यू आर सेइंग कि जी पुअर क्लास में बी मोर सेंसिटिव टू वेमेन एम्पावरमेंट एंड मे बी पुअर के बजाय मिडल की जो लोअर क्लास है ना, लोअर मिडिल क्लास मे बी मोर सेंसिटिव टू वेमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअलिटी इशूज जो कि काम की वजह से स्टार्ट हो रहे हैं. तो आई थिंक मैं जी बताइए आप इसमें ये आपने जो कहा है लोअर मिडिल क्लास, नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी बात की कि आपने एक स्टोरी सुनी कि वो एक मेड उसका एक रिलेशनशिप वॉट एवर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो इस तरह के लोग हैं जैसे एक मेड है या एक ड्राइवर है, उसको आप ये समझती हैं कि उसको ये चीज समझाना मुश्किल है वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए मैं बात कर रही थी आपके सैंपल के बारे में. आपके प्रपोजल का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो आपका मेथडोलॉजी पार्ट है, ठीक है. वैसे तो आपने जो शुरू में जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेथडोलॉजी पार्ट में बिकॉज यू वर रिड्यूसिंग टू एजुकेटेड ग्रुप, यू वर टॉकिंग अबाउट मैन एंड वेमेन जिनको आपने ये कहा कि जी एजुकेटेड क्लास के हैं. तो अगर आप अपना सैंपल, जिसकी वजह से मैंने आपको ये भी कहा कि इट रिक्वायर्स कि आपके प्रेजेंट टॉपिक में भी सैंपलिंग के पार्ट में यू आर फोकसिंग ऑन एजुकेटेड पीपल, वाइल हम उसमें ये भी कह सकते थे टॉपिक में भी ये थोड़ी सी चेंज ला सकते थे कि रिस्पॉन्स टू यू नो लाइक यहाँ पे आपका जो टॉपिक है इट सेज मेरे पास तुम हो अ स्टडी ऑफ मैरिटल अ स्टडी ऑफ एजुकेटेड मेल एंड फीमेल्स एजुकेटेड मेल्स फियर्स अराउंड women empowerment and sexuality.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے میل کے دا میل کے بجائے ایجوکیٹڈ میلز فیئرز کر دیا, ٹھیک ہے. سو جہاں جیسے ہی ہم اس کو ایجوکیٹڈ میلز فیئر کہیں گے, تو جو آپ نے اپنی سیمپلنگ کی تھی یو ور فوکسنگ آن ایجوکیٹڈ میل, تو ہم پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری سیمپل میں جو ایجوکیٹڈ میل ہے بیکاز آپ کے ٹاپک میں اکارڈنگلی ہم نے معمولی سی امینڈمنٹ کر دی, وچ از فائن. آئی ہیو سرٹنلی نو پرابلم اف یو آر سینگ کہ میں ایجوکیٹڈ میل رسپانس جو ہے اسٹڈی کر رہا ہوں, اور ایجوکیٹڈ میل کے فیئر کے بارے میں وومن کیا کہتی ہے, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹڈی, رائٹ. تو آپ ایجوکیٹڈ میل کی کا جو فیئر ہے اس پہ میل فیمیل دونوں کی رسپانسز اسٹڈی کر سکتے ہیں, رائٹ. تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سیمپل میں مختلف سوشیو اکنامک گروپس کے لوگ انکلوڈ کریں گے, right, which means somebody as poor as a maid or her husband who is a driver, and uske baad agli jo band hai of socio economic group you know lower socio economic groups mein lower middle class jisko saif point out kar raha tha ki ji they are very sensitive about women empowerment and sexuality issues and they can oppress women. To aur uske baad aapka third group جو کہ آپ آ گئے مڈل کلاس میں, پھر آپ چلے گئے اپر مڈل کلاس میں, اینڈ وٹ ایور ادر بینڈ یو وانٹ ٹو انکلوڈ. تو آپ پھر اگر اس کیس میں جب آپ سروے کریں گے تو یہ جو چار پانچ چھ ڈفرینٹ بینڈس بنتے ہیں ان سارے بینڈس کی رسپانسز میں فرق آئے گا, یو نو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو پھر آپ یہ پروبیبلی یو کین ایزیوم کہ جو پوئر کلاس ہے دے آر ویری اوپن ایز اپوز ٹو لوور مڈل کلاس اب آن دا ایشو آف ویمن امپاورمنٹ اینڈ سیکشوالٹی, رائٹ. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہی آپ کے سوشیو اکنامک گروپس چینج ہوں گے آپ کے ریزلٹس میں آپ کو ایٹیٹیوڈ ول بی ڈفرینٹ. اپر کلاس شاید زیادہ لبرل ہوگی اور شاید آپ کو پوئر کلاس بھی اتنی ہی لبرل لگے اس ایشو کے اوپر, جبکہ جیسے ہی آپ مڈل کلاس میں آئیں گے یو ول سی کہ لوور مڈل از مور سینسیٹیو ٹو دس ایشو, اینڈ ایز یو آر موونگ اپ اور ایز یو آر موونگ ڈاؤن پیپل آر پرابیبلی لیس سینسیٹیو ٹو دیز ایشوز. دس از این اسمپشن, اونلی یور سروے ریزلٹس ول شو کہ دی اسمپشن از کریکٹ اور انکریکٹ, رائٹ. تو جب آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ویدر یور تھیسس اسٹیٹمنٹ از پروفڈ رائٹ اور رانگ یو رپورٹڈ بوتھ ویز کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ واز رانگ اٹس ناٹ پروفڈ اور تھیسس اسٹیٹمنٹ واز پروفڈ ٹو بی کریکٹ, تو آپ اس کو اکارڈنگلی رپورٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے اوکے تھینک یو. اور بس آپ نے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے صرف اپنے اس میں کلیئرٹی رکھیے گا جب آپ انٹروڈکشن لکھ رہے ہوں ریسرچ پیپر کا, تو میکسیمم کلیئرٹی کے ساتھ لکھیے گا. اوکے تھینک یو, ویری گڈ پریزنٹیشن. احمد نبی جی اسٹارٹ کریں. سو دا ٹاپک دیٹ آئی چوز واز آرمڈ ود فیتھ پروپیگنڈا اینڈ ٹیررزم ان دی 21st سینچری. آرمڈ ود فیتھ از اے ڈاکیومنٹری پروڈیوسڈ بائی شرمین ابا چنائے اینڈ فالز انڈر دی بینر آف برٹش ڈاکیومنٹریز. It has also won News and Documentary Award for Outstanding Politics and Government Documentary. Shamin uses it for the purpose of national propaganda in favor of fight against terrorism and to raise the issue of how people and defense institutions are losing their lives and limbs to fend off these feeble-minded attackers, specifically in the bomb disposal unit of Peshawar. This proposal aims to study and discuss use of propaganda through documentary armed with faith and films to counteract terrorism, what type of propaganda was used, and how viable an option it is to counter terrorism in the 21st century. I have also mentioned the tabular breakdown over here, which as you can see mentions my thesis questions, source of information that I'll be using for this proposal, tools, structure, and the analysis methods. Objectives. So my objective is to examine the documentary armed with faith in order to study propaganda and counter propaganda against terrorism. The study will help identify various type of counter propaganda techniques that have been used by media professionals and filmmakers to defeat and suppress terrorism through documentaries and motion pictures. The research will also shed light on whether using counter propaganda against terrorism in films and documentaries is a viable option or not. This proposal poses two
thesis statements or research questions. First of all, is what type of propaganda was used in the documentary Armed with Faith, if there was any? And secondly, is using counter propaganda in films and documentaries a viable option to counteract terrorism or not? This study will use content analysis as an instrument to further the research. Documentaries, films, and other scholarly articles will be studied and analyzed to answer the questions that this research will raise. I've added a few quotations from my literature review. These three quotations basically are on propaganda. What is propaganda? How has propaganda manipulated various societies? And what was its impact? So the second slide for the literature review tells us about terrorism, how propaganda and terrorism are identical. What terrorists use to gain publicity through propaganda, and what exactly is terrorism. The third slide tells us that propaganda is not only used by terrorists, but also by the government officials to counteract their monopolies. I'll just skip on to the theoretical framework. The theoretical framework covers theories of propaganda and propaganda model in detail. The propaganda model of media control was introduced by Nomsky and Herman in their book Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. So what exactly is the propaganda theory? Propaganda is the spreading of information in support of a cause. The word propaganda is often used in a negative sense, especially for politicians who make false claims to get elected or spread rumors to get their way. In fact, any campaign that is used to persuade can be called propaganda. This theory states how propaganda works in a mass media. The model tries to understand how the population is manipulated and how the social, economic, political attitudes are fashioned in the minds of people through propaganda. Herman and Chomsky mostly concentrated on American population and media for their research, but this theory is universally applicable. Chennai's documentary shows digital propaganda being taken into consideration by the terrorists to the bomb disposal unit used that very same way after the propaganda being risen through digital media. Counter-propaganda falls under the propaganda model as it implies the same methods to broadcast the message to a larger audience. The research uses careful examination of the documentary and a few more documentaries and films which were released after 2010, along with the study which will also be taken into consideration. The articles and research papers on the topic of media propaganda and terrorism would also be studied. These scholarly articles and arguments from these articles will be used to reinforce the answer to the question that the research paper will address or raise. The qualitative data is based on film analysis of Shamina by Chennai's documentary and a few of the films. The study will also discuss and analyze the research papers based on propaganda through media and terrorism. So basically, here applies two types of validity. The first type is content validity. The study would cover all the aspects of propaganda and its types, along with terrorism. Counter-propaganda would also be included in the study to differentiate between propaganda and counter-propaganda while studying terrorism and terrorist tactics to manipulate mindsets by propagating a message or messages on mediums like films and documentaries, keeping special focus on electronic media and discussing it in the context of the documentary Armed with Faith. The second one is cumulative validity. All the findings and arguments the study will make would be supported by previous research and studies. The study would further their work in one way or another, making this study a subset of all the studies mentioned in the references. The limitations of the study are basically that the study is strictly restricted to the qualitative method of research, because of which one of the thesis questions suffers, and if it were not the case, it could have been answered in a brief manner, with its validity and reliability being up to the mark. For future studies, a more mixed or triangulation method of research can be opted, which includes quantitative and qualitative methods of study, which would also help diversify the arguments in the study and raise less questions on its validity and reliability. Thank you. Questions? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
All right, Ahmed Nabi, very well presented proposal. Or I think ke aapne kafi develop kar liya finally. So it looks like a good job. Jab aap apne literature review ke slides bata rahe the, good part was ke names were visible on screen, you know, like Miller, Milton, Tugwell, etc. So I said ke aapne sirf inke slides dikhaye and you briefly went through ke what this slide focuses on. So that gave a good, you know, view of the literature. ठीक है अच्छा दूसरी चीज जो है वो फिर आपने आई थिंक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी अच्छे तरीके से आ गया और बाकी सारी चीजें आ गई ये क्यों आपने डाला स्लाइड मैम मैंने जैसे आपसे भी डिस्कस किया था पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ वो क्वालिटेटिव उस पर काम कर रहा हूँ ये जो प्रपोजल है मेरा ये इसको हम थोड़ा और एनहांस भी कर सकते हैं थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स तो ये इससे मैंने डाला था ताकि मैं पैरामीटर सेट कर लूं कि मैं क्वालिटेटिव काम कर रहा हूं और अगर किसी ने इसके ऊपर और काम करना है या मैं ही फ्यूचर में एक नया प्रपोजल लेकर आता हूं तो मैं वो इसमें ये चीजें डाल सकता हूं क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस ऑल राइट तो अगर आप अपनी बात कर रहे हैं उस हद तक तो ठीक है कि इन फ्यूचर यू कैन एक्सटेंड दिस स्टडी यू नो मैं अपनी के अलावा कोई भी अगर 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 यही टॉपिक या प्रपोजल मेरा प्रपोजल कोई और कैरी ऑन करता है तो उसके अंदर वो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस वो ये कर सकता है कि उस ही कैन ऐड क्वेश्चनेयर्स और फोकस ग्रुप्स और सर्वेस जी जी नॉर्मली इट्स परफेक्टली फाइन कि आपने इसको प्रपोजल स्टेज पे मेंशन किया बट नॉर्मली दिस इज डन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी बिकॉज़ व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडी You instantly learn that these were the things that could be done, or while because you were studying the content of the film. देखिए कुछ लोगों ने दोनों मेथड सजेस्ट किए. For instance, Batool suggested both the methods, और मेरा ख्याल है कि Afroze ने भी also suggested. He also suggested to use both the methods. तो आपके पास एक option तो थी कि आप दोनों methods इस वक्त अगर use कर लेते तो आप आपकी validation पे impact आता उसका. लेकिन at the same time, you really did not need to do that. आपकी content based study is sufficient and I think you have very well presented your work. So basically मैं आपसे ये कही थी कि अगर आपने ये डाल दिया कोई बात नहीं ठीक if you had done your thesis on this topic तो ये आपका final एक after completing your thesis you could suggest के you know for future work का जो भी direction होनी चाहिए you could suggest a direction at that stage. ठीक है ma'am. Okay thank you जी डॉक्टर साहब हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है तो 7 मिनट्स में अपना ये वाइंड अप कर लेंगे डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब मैं कर लूंगा इंशाल्लाह जस्ट गिव मी 7 मिनट्स एंड आई विल कंप्लीट इट यू मे स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस द टाइटल ऑफ माय प्रपोजल व्हिच इज मेरे पास तुम हो Pakistani men fear around women empowerment and sexuality. First of all, I would like to say that you know, if you look at the topic of this the research, you will see that there is a clear relationship between empowered women empowerment and sexuality, and then there are Pakistani men fear. Actually, the men fear is a dependable variable, while the women empowerment and sexuality are independent variables. So what I am saying over here. Is that mere paas tum ho has gives us a good platform to study women empowerment and sexuality so it works both ways so if you like to study that these two issues mere paas tum ho is an ideal platform now let's move to the introduction in introduction I would like to say that you know in Pakistani context women empowerment and its relationship with the rising female sexuality seems a complex multidimensional and controversial issue within feminism and developmental literature what I would like to overall say is that the relationship between the woman empowerment and sexuality should be explored and it's a multidimensional which means that we can move towards quantitative analysis and qualitative analysis so we can come up with a comprehensive discussion on these issues
Now let's move to the introduction two part, and what the study is intends to do, which is to investigate the reason and the consequences behind the male fears, its hidden discourse in its narrative of disloyalty with regard to the husband-wife relationship in a patriarchal society of Pakistan. So here, over here, I have provided the location of the study, that what the location study is all about, and what it and the third part is the study will scrutinize on the emergent themes such as woman empowerment and sexuality in light of the male fears. So these are the emergent fears topics which I would like. Now let's go on to the rationale of this study. The third part I would like to highlight, which is previously majority of the studies are on the representation of woman character in multiple series instead of focusing on a single drama with concrete themes. That's I have missed in the previous studies, which are basically based on generalization of these concepts, generalization of the discussion. For example, they have picked up 4 or 5 dramas and they are saying, can you feel woman empowerment in that or not? So this will be very more specific study. After moving from rationale, I went to let's go to the research objectives now. These research objectives are 6 in numbers, and they are, if you look at these research objectives, you find out that the theoretical framework and the research gap is pointed in them. So to explore the male fear around woman empowerment and sexuality in educated, married, middle-class men in Pakistan, to analyze male representation in balancing married life and educated middle-class in Pakistan, to study the influence of external factor in establishing woman empowerment in Pakistan middle-class, to investigate the role of emotion in sexual representation in a religious society. So what I'm saying is that I have, these objectives are interrelated, and they are moving towards the investigation part of the study. Now, if you go to research question, they reflect. If you go to research question, there's one main question, which is what is the relationship between woman empowerment and fear factor among Pakistani men? And then I have supported sub questions, which are what are the male fear around woman empowerment and sexuality in Pakistan? How external factors influence the relationship between woman empowerment and male fear? How woman empowerment sexuality is represented in ARY drama Mere Paas Tum. So these questions are based on the, again, I'm working on the significance. If you look at the significance of the study, is that it's not generalization. It's basically based on a single play, and it's these two interrelated themes of woman empowerment and sexualities are discussed within this play. I also said that the previous studies are not reflecting the these two points, which are the relationship between woman empowerment and sexuality in a selected play of Pakistan. Now, from significance, now here comes the limitations, and from if you look at the limitations of the if the limitations of the study. Now, here I put it up that the study revolved around one of the classical drama in circles upper middle class and its very fundamental socio-psychological intricacies. Here I would, instead of, because I'm using middle class, so what I did is that, you know, that I am picking up the this study is limited to the socio-political or socio-economic background of the protagonist, and from there on I picked up that, you know, there should be a focus on only this middle class, upper middle class. Then the data collected for this study is purely related to the environment exhibited in this drama. What I did is I picked up a drama, Mere Paas Tum Ho, because this is a triangulation method I'm using. I will use both qualitative and quantitative study. That's why what I'm doing is that this, I've limited this is my limitation, because it data is based on the environment exhibited in this drama. The third thing is, which is very important, and this is concept of generalization.
which I say that this is study is only generalized, it can be applied, applicable in Pakistan context only. The literature review, now what I did is, in order to conduct the literature review, I used it as a research vehicle, which Brigham says 2011, is that, you know, what you do is that you select the research objectives and research questions, and then you base your literature review on that. Now, what I did is I keep, it will present and review the main issues surrounding women empowerment and sexuality with the help of research articles, newspaper columns, and books related to these issues in general, and the drama Mere Paas Ho in particular. After these are the researches from South Asian context, because you know my study is based on the South Asian context, because the drama is based on Pakistani. So what I did is that I have selected few of the studies. There are many other studies which I'll do, but these are the studies which are saying that you know how these issue of women empowerment and sexuality is handled. Now, if you look at the end of the literature review, the literature review will show that. Because you know it point out the gap, what's the actual gap is, and the gap is that there is a lack of study on this topic. Now, if you move to literature review, after literature review, I specially selected radical feminism theory. This theory is based on the key points and deals with empowerment and sexuality of the issues. So I have pointed out in my detailed research proposal that these are the five or six points which I will be analyzing in the text. Now let's move to another one, which is research methodology. Again, the very important part of this is that I will use triangulation, mixed method, framework of the questionnaire, and content analysis. In social sciences, methodological triangulation has become a standard practice. So what I'm saying is over here is that after doing, let's say, my quantitative analysis, when I will do the qualitative analysis, it will verify, it will validate, it will give a direction, that they are coming up with the same conclusion or they are different conclusion on that. Now, I based on my population, I've selected, especially, Wabra Town is an area in Lahore, which is based basically a upper middle class residential area and compromises of working class cluster of TV viewers. I mean, because I've checked my in Lahore, what will be, which population will be best for this kind of analysis, because, if you look at to Mere Paas Ho, if you look at the story is based on middle class upper to middle to upper class residential people, and that's why I've selected this. If you move towards the population to sampling, I have used the convenience sampling. Then I have go to sample size, I have selected 100 married middle class couples. And just to make it sure that then I have also designed a semi-structured interview shall be conducted to fulfill the requirement pertaining to triangulation method, and the 10 participants shall be selected through random sampling out of the sample of 100 respondents. Then I move towards that. What I'll do is the instruments again, survey questionnaire and content analysis will be taken, and then after instrumentation. After instrumentation, I will use Likert 5 point. Then I'll also conduct pilot study, because that pilot study will show that if my data has internal validation or not. And after that pilot, then I will go towards the validity and reliability, which I will use the SPSS and to analyze the data. And finally, data collection will be analyzed through SPSS, followed by summary of findings, conclusions, and recommendation. The qualitative data collected through interviews and again, thank you very much. I think I finished it up in time. अच्छा मैं आप comments लेने से पहले मैं जरा जल्दी से attendance mark कर दूँ. जी please. जी अहमद मसूद, अली हैदर, बतूल. Present ma'am. Present ma'am. Of course. Yes ma'am. Muhammad Ali.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm present too. Achha, theek hai. Basit, Nibras, Ramla, Saifullah, Sufyan. Yes, ma'am. Nabi Ahmed. Yes, ma'am. Taimur Kayani. Yes, ma'am. Talha Bhatt. Ma'am, Talha bhi hai, uska mic nahi chal raha. Mic nahi chal raha uska. अच्छा चलें ठीक है। Yes ma'am, मैंने वो मैं बोल रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा माइक म्यूट है। जी अटेंडेंस लग गई आपकी। जी डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चंस हैं किसी के भी? नहीं मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। किसने प्रेजेंट किया था? मेरे पास तुम हो पे अफरोज ने। अफरोज ने। अफरोज आपका कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? मेरा बस यही क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आपने ये सर्वे आपने कंडक्ट कर लिया है या अभी करना है? मैंने करना है अभी, ये तो मैंने प्रपोजल बनाया ना, ये तो प्रपोजल है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि ये जो आपने इंटरव्यू के लिए पॉपुलेशन सिलेक्ट की है, ये उन्हीं में से है लोग जिनको आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं? जी उन्हीं में से 10 लोग चूज कर सकते हैं हम। अच्छा, तो ताकि डॉक्टर साहब मैंने मुझे थोड़ा सा ये था कि क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कल को ये BOS में भी अगर फंस करें, अगर ये एक ऑप्शन भी होती है ना, तो उसमें मैंने सोचा कि इसको ऐसे डिजाइन किया जाए ताकि ये कोई उसमें ना आए। अच्छा चलिए ठीक है, वेरी वेरी नाइस कि आपने फाइनली रिसर्च थीसिस कंसीडर करना शुरू कर दिया। जी बट डॉक्टर साहब आपकी गाइडेंस है। नहीं माशाल्लाह से आपका सारा एक्सपीरियंस आपके प्रपोजल के अंदर शो कर रहा है। तो मैं सिर्फ एक चीज छोटी सी आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर ये बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास जाएगा तो बोर्ड आपको शायद हो सकता है बोर्ड आपसे ये कहे कि या सर्वे कर लें या इंटरव्यू कर लें, बिकॉज हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। हालांकि राइट नाउ वेयर वी स्टैंड आपके पास पूरा एक साल मौजूद है और हम बोर्ड ऑफ स्टडीज में जल्दी चले जाएंगे। आई थिंक आपका समर का जो ब्रेक है उसके ख़त्म होने से पहले हम आपके प्रपोजल्स की अप्रूवल जो है वो अभी विल ट्राई कि हम जून ना से ही, तो अगर बेसिकली विल ट्राई कि जून से पहले आपके अप्रूवल ले लें, और अगर जून तक अप्रूवल नहीं ली तो जून के फौरन बाद आपके प्रपोजल्स की अप्रूवल ले लें, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर यू नो लाइक प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल्स एक्सेट्रा। क्योंकि अभी हमारी कोशिश यही हो रही है कि ऑल ऑफ द पीपल हु वांट टू ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट और रिसर्च शुड फिनिश इट वेरी क्विकली। तो एंड वी आर ट्राइंग कि जितनी ज़्यादा आप लोगों के प्रपोजल्स स्ट्रेंथन हो सकें हम, क्योंकि पिछले सालों में हमारा एक्सपीरियंस यही है कि व्हेन प्रपोजल्स आर प्रेजेंटेड टू बोर्ड आस्क क्वेश्चंस अबाउट स्टोरीज, बोर्ड आस्क क्वेश्चंस अबाउट यू नो लाइक एट टाइम्स दे वांट टू नो डिटेल्ड स्टोरीज, अच्छा इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। सो पीपल बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इन द पास्ट हैव बीन आस्किंग अबाउट डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। तो मैंने फिर ये कोशिश की कि हम थोड़ा सा फिर ज़्यादा काम कर लेते हैं बिफोर वी गो इन बोर्ड। और हमारे पिछले बोर्ड ऑफ फैकल्टी ने इन पर्टिकुलर कहा था कि स्टूडेंट के प्रपोजल्स बोर्ड ऑफ फैकल्टी से आने से पहले थोड़ा बहुत टेस्ट क्यों नहीं हुए, फॉर एग्जांपल पायलट क्यों नहीं हो गया वगैरह वगैरह। तो हम तो प्रपोजल्स चूंकि उससे पहले अप्रूव करवा रहे थे, आइडिया की बेसिस पे अप्रूव करा रहे थे, सो वी थॉट के पीपल आर अनएबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। तो हमने कोशिश की कि हमने इस दफ़ा हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हम पहले से ज़्यादा और बेहतर प्रेपरेशन करवा दें। सो वी होप के प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड थीसिस प्रपोजल्स के थ्रू वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बोर्ड विल प्रॉबली आस्क यू कि आप अपने मैथड्स को कंटेंट एनालिसिस जो है, पिछले साल बोर्ड की फीलिंग थी कि इवन कंटेंट एनालिसिस इज़ अ लॉट फॉर MS लेवल थीसिस, और यहाँ पे तो आपने कंटेंट एनालिसिस के अलावा यू नो यू आर प्रपोजिंग 3 मेथड्स ऑफ स्टडी, तो विच मीन्स के तीनों मेथड्स एक दूसरे को वैलिडेट तो स्ट्रांगली करेंगे। द क्वेश्चन इज इफ यू वुड हैव टाइम टू यूज ऑल 3 मेथड्स। तो अगर आप उस वक्त बोर्ड को कन्विंस कर सके तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज आई थिंक बोर्ड वुड प्रॉबली से कि आप इनमें से 2 मेथड्स पे आ जाएं, और या फिर बोर्ड आपको ये भी कह सकता है कि आप एक मेथड पे आ जाएं इन व्यू ऑफ लिमिटेशंस ऑफ टाइम
جو ایم ایس تھیسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو میرا چونکہ یہ خیال ہے کہ چونکہ آپ یو آر آلریڈی ورکنگ آن دی انالیسس آف دی پلے اینڈ یو ہیو آلریڈی یو ہیو آلسو سٹارٹڈ ڈیولپنگ یور سروے کوسچنئر, تو یہ پاسبل ہوگا کہ آپ اس وقت جب بورڈ آف اسٹڈیز میں جائیں گے تو یو ہیو پلینٹی ٹو ٹاک اینڈ ڈسکس. یو کین سے کہ جی میں آئی ہیو اسٹارٹڈ اینالائزنگ فلم اینڈ یو کین آلسو سے کہ یو ہیو یو آر آلریڈی ڈیولپنگ یور سروے کوسچنئر یا پھر اور کوسچنئر دیٹ یو ول یوز فار کنڈکٹنگ دی انٹرویوز. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ آپشنز ہیں, یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ یہ تمام بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. بورڈ آپ کو لمٹ کرنے کو بھی کہہ سکتا ہے اور بٹوین ناؤ اینڈ بورڈ آف اسٹڈیز یو کین ڈیسائڈ یور سیلف کہ آپ کس میتھڈ کے تھرو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس واز مائی اونلی کامنٹ آن یور پریزنٹیشن اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ویل ڈن, ویری ویل پریزنٹڈ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, اٹینڈنس آپ سب لوگوں کی لگ گئی. بفور لیونگ, سوری میں نے آپ لوگوں کا آج پورا 3 گھنٹے استعمال کرنے پڑے, بٹ بفور لیونگ آئی ہیو اے اسمال ٹاسک فار ایچ ون آف یو کہ ہمارا جو ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گریڈنگ اسٹرکچر میں دیر از ون تھنگ دیٹ سیز پیئر ریویو, رائٹ؟ تو ہم چونکہ کلاس روم میں نہیں بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں نے میڈیا تھیوری کی کلاس میں یو ہیڈ ٹائم ٹو ریڈ ایچ ادرز ریسرچ پیپرز, رائٹ؟ اور اس کے بعد یو ور ریڈی ٹو گیو یور کامنٹس آن ایچ ادرز ورک. تو اس وقت جو ہمارا پیئر ریویو کا ایک ہوگا وچ ول بی فرام you know, not in next class, but in the class after next 2 weeks from now. تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا کام دیکھا, آپ لوگوں نے یو ہیو گون تھرو ایچ ادرز پاور پوائنٹ پریزنٹیشنس. تو کچھ چیزیں تو میں نے خود آلریڈی آج کے اس میں کر دیں, کچھ کامنٹس میں نے خود دے دیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کامنٹس رہ گئے ہیں تو واٹ آئی ڈو, آئی ول میک اے لسٹ. آپ لوگ آئی تھنک دیر آر 14 پیپل ان دس کلاس, تو میں 7 against 7 خود ایلوکیٹ کر دوں گی, اور آپ لوگ صرف آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیکھتے ہوئے کچھ سجیشنز ایک دوسرے کو دینی ہیں. تو 2 weeks from now we will be asking for everybody's comments on each other's work. تو آپ جو ہیں یو کین کیپ ان مائنڈ واٹ آئی سیڈ اور یو کین ہیو یور اون ویوز کہ آئی تھنک کہ دس اور دیٹ پارٹ آف دا پروپوزل کین بی امپرووڈ دس ان دس اور دیٹ وے. فار انسٹنس آپ لٹریچر ریویو کو امپروو کرنے کی سجیشن دے سکتے ہیں, اور یو کین گیو سجیشنز فار امپروونگ اینی ادر پارٹ آف دا پروپوزل. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ سے 2 weeks from now I will ask for your suggestions to improve each other's research proposals only. میں 7 against 7 allocate بھی کر دوں گی. جن لوگوں کو میں allocate کروں گی only those people should exchange their proposals among them. Okay? Yes, ma'am. All right. Thank you, ma'am. All right. Thank you. Thank you very much. میں ایک بات بتائیے گا. جی. جو آپ کا جو ریسرچ پیپر کی اسائنمنٹ ہے, جی جی, اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے؟ گوگل کلاس روم میں اگر آپ جائیں, یو نو لائک اگر آپ ریسرچ میتھڈالوجی کے کورس میں جائیں گے تو یو وڈ سی دا ڈیٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو فائنل ایگزام کی ڈیٹ نظر آ رہی ہے. رائٹ ناؤ اٹ سیز میتھڈ. ریسرچ پیپر کی میں نے آپ کو ایک ڈیو ڈیٹ دی, آئی وانٹیڈ یو سبمٹ فرسٹ ڈرافٹ آف ریسرچ پیپر تو تاکہ میں آپ کو کامنٹ دے سکوں, اینڈ دین یو کین ڈیولپ اٹ انٹو یور فائنل ایگزام. تو میں نے آپ کو آج کی ڈیٹ کے لیے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ مینی آف یو ور انیشلی رائٹنگ دا ریسرچ پیپر انسٹیڈ آف ریسرچ پروپوزل. تھینک فلی ہم نے ریسرچ پروپوزل ڈیولپ کر لیا, سو واٹ وی ور سینگ ٹو ڈے ور research proposals, they were no longer research papers. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو مجھے آپ میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں کلاس میں, آدھے لوگ تو ریسرچ پروپوزل ہی لکھ رہے تھے, لیکن جو ریسرچ پروپوزل لکھ رہے تھے اس میں بھی پیپر رائٹنگ
ٹینڈنسی کافی نظر آ رہی تھی جس کی ضرورت تھی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یو انڈرسٹینڈ یور سیریل. فار ایگزامپل وین بطول پکڈ اپ ڈائلاگز اینڈ بطول پکڈ اپ یو نو لائک ڈفرینٹ پارٹس آف دا سیریل, اس میں اس نے یو نو شی نیو ہر سیریل ویری ویل بیفور پروپوزنگ اے اسٹڈی بیسڈ آن دا سیریل. تو میں آپ سے یہ کہی تھی کہ اس کا فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ کا پروپوزل کے بارے میں یو لرنڈ بیٹر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ور ورکنگ آن ریسرچ پیپر, تو ایٹ لیسٹ دے ور تھری مڈ ٹرم ایگزامس جو پروپوزل سے زیادہ ریسرچ پیپر لگ رہے تھے. So, in a way, you are kind of ready to submit your research papers today. کم از کم وہ تین لوگ اگر چاہیں تو وہ مجھے آج ڈرافٹ دے سکتے ہیں. تو نام چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے, اگر وہ اگر چاہیں تو ریسرچ پیپر دے سکتے ہیں, ان کو جلدی فیڈ بیک مل جائے گا اینڈ دے ول رائٹ اے بیٹر فائنل ایگزام. Otherwise, اگر آپ آج نہ بھی دینا چاہیں تو ٹرائی سبمٹنگ یور ریسرچ پیپر بائی نیکسٹ ویک, تاکہ میں آپ کو تھوڑا بہت فیڈ بیک دے سکوں فار میکنگ فار سبمٹنگ اے بیٹر فائنل ایگزام, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو جو فائنل ایگزام آ رہا ہوگا وہی یو نو آپ کا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈرافٹ ہوگا, دیٹ وڈ بی یو نو اے پرابلم. اور یا دیٹ مائٹ بی گڈ, فار انسٹنس جیسے اگر آپ لوگوں نے پروپوزل مجھے فرام ٹائم ٹو ٹائم میں نے بہت سارے چانسز دیے ٹو ڈسکس انٹروڈکشن, ٹو ڈسکس یو نو ٹیبل, ٹو ڈسکس لٹریچر ریویو ایکسیٹرا, تو جب آپ ساتھ ساتھ مجھ سے نہیں ڈسکس کر پاتے تو پھر مجھے آپ کو لاسٹ منٹ جو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں رہتی. ساتھ ساتھ فیڈ بیک لے لیں گے تو یو ول رائٹ سم تھنگ بیٹر. تو بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو میں آپ کو آپ کے بیچ میں یو ول بی ایکسچینجنگ یور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز امانگ یو, تو میں آپ کو بتا دوں گی وچ ٹو شوڈ ایکسچینج بٹوین دیم. تو تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے فیڈ بیک جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے گا, ایٹ لیسٹ بلیٹ پوائنٹس بنا لیجیے گا. اگر ڈسکرپٹیو فارم میں لکھ لیں گے پیراگراف فارم کے میں تو آپ ایک دوسرے کے زیادہ بہتر فیڈ بیک دے سکیں گے, ٹھیک ہے. اور ریسرچ پیپر کے لیے بھی پھر میری یہی سجیشن ہے کہ اگر آپ بائی نیکسٹ ویک مجھے اپنا فرسٹ ڈرافٹ دے سکتے ہیں تو یو ول سبمٹ بیٹر فائنل ایگزام. فائنل ایگزام کے لیے اف یو ہیو سین کہ یہاں پہ آپ کو گوگل کلاس روم میں ایک یہ آن لائن ایگزام اس وقت سی ایم ایس پہ نظر آ رہا ہے, یہ دس واز نیور دیئر, دس از ایڈڈ بیکاز رائٹ ناؤ وی آر کنڈکٹنگ آن لائن کلاسز. تو میں آپ لوگوں کا اگر فائنل اس کی میں نے جو میں نے اس کو کلک کیا اور اس میں آپشن یہ آ رہی تھی کہ میں آپ کا جو ہے ایگزام کوشچنئر اپلوڈ کروں, اس کی لمیٹیشنس ہیں. جب میں کوشچنئر اپلوڈ کروں گی آپ کا کوشچن پیپر یہاں پہ اپلوڈ کروں گی تو میں آپ کو ٹائم کی لمیٹیشن دے دوں گی. دیکھیں ابھی اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ مجھے ایک دو دن آگے پیچھے سبمٹ کر دیتے ہیں, لیکن ود سبمیشن آف ایگزام ان دا سی ایم ایس پروبیبلی جیسے ہی ڈیڈ لائن ڈراپ ہوگی یا ٹائم ڈراپ ہوگا تو پروبیبلی میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز آئی تھاٹ کہ اگر میں نے یہاں کچھ ڈال دیا اور یہ آپ لوگوں کی سبمیشن پانچ منٹ یا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی اینڈ سی ایم ایس ایکچولی ریجیکٹس یور سبمیشن تو دیر وڈ بی اے پرابلم. تو میں آپ سے صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ فائنل ایگزام کی سبمیشن شاید آپ کو یہاں پہ کرنی پڑے گی, تو یہاں پہ کرنی پڑے گی اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ ذرا اس وقت جو آن لائن ہماری انوائرمنٹ ہے تو ذرا بی اے بٹ کیئرفل کہ واٹ ول ہیپن وین یو سبمٹ ایگزام ان سی ایم ایس اینڈ وین آئی اپلوڈ دا کوسچن پیپر ان دا سی ایم ایس, اور وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹ شیٹ میں ڈیڈ لائن اور ٹائم کروں گی اپلوڈ, تو اسی وقت آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. آئی ول کوآرڈینیٹ ود آتر کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو بی شیور کہ آل آف یو آر ریڈی ٹو سبمٹ یور ایگزام آن ٹائم جس وقت میں سی ایم ایس میں یہاں ٹائم ایلوکیٹ کروں فار سبمٹنگ یور فائنل ایگزام وایا سی ایم ایس. اوکے, کوئی اور کوسچن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں بیفور نیکسٹ کلاس, آج ہمارا کافی لمبا چلا گیا. تھینک یو میم. تھینک یو میم. تھینک یو میم. ٹیک کیئر. خدا حافظ.